नमामि धन्वन्तरिमादि देवं सुरासुरैवन्दित पाद पद्मं लोके जरारुक भय मृत्युनाशं तारतारमीशं विविधौषधीनां ना त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं कामये दुःखप्रदानं प्राणिनामादिनाशनम्। लिख दो, ये दे दो ना, ये है ना, बस ये दे दो, क्या करना है, दे दो एक वो तो दो। नमस्कार, आयुष दर्पण के जनरल के पेज पर हम लाइव हो चुके हैं और आरोग्य भारती के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि डॉक्टर अवस्थी और डॉक्टर अवनीश भूषण पांडे जी ने धन्वंतरी वंदना से इस कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है और ये कार्यक्रम फेसबुक पर लाइव हो चुका है, तो मैं अब आगे के लिए मैं इस कार्यक्रम के पूरी तरह से संचालन की जिम्मेदारी डॉक्टर अवनीश भूषण पांडे जी को देता हूं। अभी हमारे बीच में डॉक्टर इंद्रनील बसु की नहीं टूटता है लगता है, डॉक्टर इंद्रनील बसु की अभी नहीं टूटता है। इंद्र जी, अवनीश जी, आपको मैं होस्ट बना दूं? काफी लोग जुड़ चुके हैं, जहां तक मेरा ख्याल है 12 लोग जुड़ चुके हैं। अगर मैं तो मैं नाम बता देता हूं, एके गुप्ता, मीनाक्षी सिंह, प्रभाकर पांडे, प्रशांत गुप्ता, राम कुमार, वशिष्ठ साहू, श्याम सुंदर गुप्ता, तृप्ति अग्रवाल, ये लोग जुड़ चुके हैं, बी एन सिंह, जी आप मुझे बताइए, मैं उनको पिन कर देता हूँ। जी डॉक्टर जी पी अवस्थी, डॉक्टर बी एन सिंह, डॉक्टर अवनीश पांडे, तृप्ति अग्रवाल, श्याम सुंदर गुप्ता, रश्मि शाहू, राम कुमार वशिष्ठ, प्रशांत गुप्ता, प्रभाकर पांडे, मीनाक्षी सिंह, एके गुप्ता, अशोक कुमार वाष्णे, डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा, इतने लोग जुड़े हुए हैं। अवनीश जी, मैं आपको इस कार्यक्रम का होस्ट बना देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। वन मिनट सर, मैं होस्ट बना दूं आपको? जी जी सर, बना दीजिए। आप होस्ट हैं इस कार्यक्रम का? जी सर। जी आप करिए। मैं थोड़ा, कुछ लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे, मैं उनसे एक बार संपर्क कर लेता हूँ। तब तक डॉक्टर अवस्थी जी कुछ रूपरेखा दे दीजिए सर कार्यक्रम की, क्योंकि लाइव हो चुका है प्रोग्राम। या मैं धन्यवाद डॉक्टर बसु जी, आज हम इस नेशनल वेबिनार पर होम्योपैथी के कुछ चिकित्सकों के साथ, आयुर्वेद के उन चिकित्सकों को कि जिन्होंने पूरे देश में देखा कि जहां ट्रायल हो रहे हैं और उसके जो परिणाम आ रहे हैं उत्साहजनक, इतने बड़ी निराशा के बीच से ये हमारे आयुर्वेद के माध्यम से, होम्योपैथी के माध्यम से जो कुछ भी अच्छे परिणाम आ रहे हैं, उसी को आज हम इस वेबिनार के माध्यम से तथा एक नई किरण जो हमारे सामने दिखाई पड़ रही है उसको फोकस करते हुए हम आज के इस वेबिनार को आयोजित किए हैं। और सबसे बड़ी रोचक बात ये है कि सभी प्रश्नों का जवाब हमारे आध्यात्म में है और आध्यात्म वो संतों के अधीन है और संतों का पूरे राष्ट्रीय स्तर का एक संगठन है, अखिल भारतीय संत समिति, उसके राष्ट्रीय महामंत्री जी आज हमारे इस वेबिनार को आशीर्वाद देंगे, उनका प्रबोधन होगा और निश्चित रूप से
वो सूत्र आपको प्राप्त होगा जहां से कि हम इस विभीषिका, इस बीमारी से, इस महामारी से हम कैसे उबरे। और हमारा मानस आयुर्वेद भी कहता है, सर्वेषाम एव रोगाणाम अधर्मम कारणम महत आरोग्य कारको धर्मो वैद्य शास्त्रो विबोधितः। मानस आयुर्वेद में तो बड़ा स्पष्ट कह दिया गया, धर्मो रक्षति रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी स्वयं रक्षा होती है। और निश्चित रूप से आज पूरा विश्व मनोदैहिक विकृति से परेशान है। मनोदैहिक विकृति साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, जिसमें शरीर के साथ साथ मन की भूमिका होती है। और अनियंत्रित अमर्यादित भोग की संस्कृति के कारण वैसे ही पूरा विश्व परेशान रहा है। और इस कारण से उसकी जीवनी शक्ति बहुत क्षण हुई। आज इस कोरोना ने बता दिया कि आपको अपने जीवन शैली को, सोच को, अपनी संस्कृति को ठीक करने पड़ेंगे, तभी हम अपने उस जीवनी शक्ति को प्रबल कर सकते हैं। यह एक जांच के दौर से गुजरा है और पूरे विश्व के लिए एक चेतावनी भी है, एक कहने की एक अवसर भी है, संभल जाने का एक अवसर भी है। हमारे अशोक भाई साहब भी सामने दिखाई पड़ रहे हैं, उनकी प्रेरणादायक बातें हम सुनते रहते हैं, हम उन्हें आज भी सुनेंगे और बड़ा अच्छा लगता है जब वो बोलते हैं। तो हमारे बीच में अभी हमारे काशी प्रांत के अध्यक्ष जी, जिनको स्वागत करना था, हम इस कार्यक्रम को थोड़ा सा अवनी जी के बाद रख लेते हैं। अब मैं डॉक्टर अवनी से आग्रह करता हूँ कि आरोग्य भारती का ध्येय लक्ष्य क्या है, क्योंकि आज के हमारे इस वेबिनार में पूरे देश के बहुत से लोगों ने लिंक मांगा, लोगों ने इसकी सराहना की, स्वामी जी को भी सुनना चाहते हैं, हमारे प्रशांत जी को सुनना चाहते हैं, कीर्ति अग्रवाल को सुनना चाहते हैं, हमारे डॉक्टर प्रदीप गुप्ता जी को सुनना चाहते हैं। तो आज के इस वेबिनार में हम बहुत लोगों ने लिंक मांगा है फेसबुक का, तो इस वक्त हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। मैं बिना समय को गवाए डॉक्टर अवनीश पांडे जी से आग्रह करता हूँ कि आरोग्य भारती ध्येय लक्ष्य पर प्रकाश डालें। एक दृष्टि में आरोग्य भारती, डॉक्टर अवनीश पांडे, सचिव आरोग्य भारती में व्यापुर काशी प्रांत। धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर अवनीश पांडे, इस वेबिनार में शामिल हुए सभी सम्मानित वक्तागणों, श्रोतागणों का आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। जैसा कि स्क्रीन पे जो भी वरिष्ठ दिख रहे हैं, आदरणीय राष्ट्रीय संगठन मंत्री भाई साहब जी, नागपुर से जुड़े हुए हैं डॉक्टर ब्रिजेश मिश्रा सर जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर प्रशांत गुप्ता सर जी प्रणाम। जो भी गणमान्य हैं इस मीटिंग में, इस वेबिनार में शामिल हैं, मैं सभी का इस मीटिंग में हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले मैं आरोग्य भारती पे अपना वक्तव्य प्रस्तुत करूं, संक्षिप्त परिचय कराऊं इस संगठन से। हमारे बीच आरोग्य भारती काशी प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रनील बसु जी जुड़ चुके हैं। मैं आग्रह करता हूँ सर आपसे कि नमस्कार, आप जो है अपने अध्यक्ष काशीप्राम के अध्यक्ष होने के नाते आप अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें और हमारे वक्तागण और हमारे जो आज के श्रोतागण हैं आप उनका स्वागत करें। आप सभी को मेरा नमस्कार। डॉक्टर अवस्थी जी और डॉक्टर अवनीत जी, बहुत धुआंधार आजकल वेबिनार करवा रहे हैं और आज हर वेबिनार में कुछ नया नया टॉपिक हम लोग को सुनने को मिल रहा है और हम लोग काफी इधर काशी प्रांत के परिप्रेक्ष्य में काफी हम लोग ज्यादा वेबिनार कर चुके हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है बड़ा ही नया है, क्योंकि अभी तक हम लोग कई वेबिनार्स में जहां भी अटेंड किए हैं कोरोना के संदर्भ में ही बातें होती हैं और आज जायज भी है जो भी बातें हमें कोरोना के संदर्भ में ही हो रही हैं, परंतु अधिकतर वेबिनार्स में कोरोना के इलाज के बारे में, कोरोना के बचाव के बारे में सामाजिक दृष्टि से बातें होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल बातें नहीं होती हैं। तो प्रैक्टिकल बात आज होने वाली है कि कुछ हमारे ऐसे वक्ता हैं
जिनको कोरोना के इलाज में एक्सपीरियंस हुआ है। हम लोग तो अभी कोरोना का इलाज कर नहीं रहे हैं, लेकिन ये कुछ हमारे डॉक्टर साहब हैं जो वक्ता हैं, जो आज हमें कुछ अपने ज्ञान और एक्सपीरियंस बांटेंगे, क्योंकि उन्होंने कोरोना का इलाज किया है और कुछ उन्होंने ट्रायल्स किए हैं दवाओं के, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाएं हैं, कुछ इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं या अन्य भी दवाएं हैं जो, तो उनके जो एक्सपीरियंस है उससे सुनकर हम काफी लाभान्वित होंगे। और थ्योरेटिकल बात नहीं होगी, ये प्रैक्टिकल बात होगी, और मुझे उम्मीद है कुछ नई दिशा हमें मिलेगी इलाज के लिए। और एक चीज मैं आग्रह करता हूँ कि जो भी ये इनका एक्सपीरियंस है, मुझे उम्मीद है वो कायदे से डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन सभी को करना जरूरी है, और डॉक्यूमेंटेशन करके इसको क्लिनिकल ट्रायल्स के थ्रू गुजारेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ वो अप्लाई करें फॉर एक्चुअल क्लिनिकल ट्रायल जो DCGI द्वारा या CTRI क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया है, उसके थ्रू अगर क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं तब इनके जो शोध कार्य है या एक्सपीरियंस है दवाओं का कोरोना में, उनका कोई वैलिड निष्कर्ष निकलेगा और हम लोग डंके के चोट पे हम पूरे विश्व को बता सकेंगे कि हमारे भारत में पारंपरिक दवाओं से और होम्योपैथी से, जो कि पूरे विश्व में नहीं हो रहा है और हम लोग कर रहे हैं और इसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो हम पूरे विश्व को डंके के चोट पे बता पाएंगे। तो इतना ही मुझे कहना है कि आप सभी को कोशिश करते रहना चाहिए कि शोध कार्य में हम लोग इन होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवा का इस्तेमाल करें और उन्हें डॉक्यूमेंट करके पब्लिश करें इंडेक्स जर्नल्स में। बस इन्हीं बातों के साथ मैं और आपके और श्रोताओं के बीच में नहीं रहना चाहूंगा। सारे वक्ताओं को मेरे तरफ से बहुत बहुत अग्रिम धन्यवाद, और मुझे उम्मीद है कि हम लोग आज कुछ नई नई बातें उनसे सीखेंगे और सुनेंगे। धन्यवाद जी। धन्यवाद और डॉक्टर बचुकी। अभी हमारे काशी प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रनील बचु जी ने हमारे सभी दर्शक वक्ताओं का हार्दिक स्वागत किया, इसके लिए मैं डॉक्टर बसु का आभार ज्ञापित करता हूं। और डॉक्टर अवनीश पांडे जी से आग्रह करता हूं कि संक्षेप में आरोग्य भारती पर प्रकाश डालें। जैसा कि आरोग्य भारती राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की 45 से भी अधिक अनुसांगिक संगठनों में से एक संगठन है, जिसका मूल मंत्र है स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ परिवार स्वस्थ ग्राम स्वस्थ राष्ट्र। आज संस्था की हर जिले में समितियों का गठन हो चुका है एवं सभी पैथी के डॉक्टर्स के अतिरिक्त प्रबुद्ध लोग आरोग्य भारती के सदस्य हैं, इससे जुड़े हुए हैं एवं योग आयुर्वेद एवं घरेलू उपचार का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बीमारी के बाद डॉक्टर के पास जाना हमारी मजबूरी हो जाती है। आरोग्य भारती का उद्देश्य यही है कि हम डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े। सबसे स्वास्थ्य रक्षण, व्यक्ति कैसे स्वस्थ रह सकता है, ये हमारी प्राथमिकता रहती है और इसी पे हम कार्य करते हैं। लोगों को कैसे निरोगी रखा जाए, कुछ आयाम है, लगभग कुल 14 आयामों पे आरोग्य भारती कार्य कर रही है। इसमें अपना ग्राम स्वस्थ ग्राम, स्वास्थ्य प्रबोधन, पूरे नमस्कार योग, घरेलू उपचार, विद्यालय स्वास्थ्य प्रबोधन, मधुमेह प्रबंधन, वनौषधि परिचय, महिला कार्यकर्ता अभियान, चिकित्सा विद्यार्थी, स्वस्थ जीवन शैली, ये सभी कुछ ऐसे आयाम है जिनपे आरोग्य भारती कार्य कर रही है। समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना एवं समाज स्वास्थ्य के प्रति हम सजगता को लोगों तक पहुंचाएं, यही आरोग्य भारती का उद्देश्य है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम सतत प्रयत्नशील रहते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अवनी जी। आरोग्य भारती कि इन्होंने बहुत ही सारगर्भित परिचय दिया, समय का बहुत ही सदुपयोग किया, और अगर उसका संक्षेपीकरण करना हो तो आरोग्य भारती का आशय ये है कि हम उन उपाय को करें कि जिससे हम बीमार ही न पड़े, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण।
ऐसा करने से हमारे स्वास्थ्य का जो बजट है वो तुरंत 1/10 हो जाता है, और अगर ऐसा पूरे देश में होना शुरू हो जाए तो हमारी उत्पादकता, उपयोगिता, शक्ति, हमारी क्षमता, दक्षता, योग्यता सभी बढ़ जाएगा, और ये जब बढ़ेगा तभी हमारा राष्ट्र पूरे विश्व पर सिरमौर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ, अभी स्वामी जी कुछ तकनीकी कारणों से जुट नहीं पा रहे हैं, मैं अपने राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय अशोक जी से आग्रह करता हूं कि उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। माननीय अशोक जी और उनका परिचय हमारे अवनी जी, पहले उनका परिचय डॉक्टर अवनी जी करा देते हैं, फिर बाद में मैं उनसे आग्रह करता हूं उनका आशीर्वचन। माननीय डॉक्टर अशोक जी भाई साहब ने 1979 में बायोकेमिस्ट्री में एमएससी किया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। आपने 1986 में बायोकेमिस्ट्री में पीएचडी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कंप्लीट किया, और 1 ईयर असिस्टेंट प्रोफेसर आप वहां पर रह चुके हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। 1986 से आप सामाजिक कार्य में आरएसएस प्रचारक के रूप में जुड़े हुए हैं। आपने इलाहाबाद, लखनऊ, जो कि प्रयागराज हो चुका है, प्रयागराज, लखनऊ और कानपुर आपका सेवा क्षेत्र रहा है। 15 ईयर आप प्रांत प्रचारक के रूप में रहे हैं, 10 ईयर झारखंड में, एवं 5 वर्ष आप कानपुर में प्रांत प्रचारक के रूप में सेवा दे चुके हैं। आप 2012 से आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव के रूप में इस पद पर सुशोभित हैं, और राष्ट्रीय आरोग्य भारती का संक्षिप्त परिचय हमने दिया, और इन सभी उद्देश्यों को माननीय भाई साहब के मार्गदर्शन में हम लोग पूरी निष्ठा के साथ समर्पित हैं, और उस लक्ष्य की ओर, एक जो आरोग्य हमारा लक्ष्य है कि लोगों को आरोग्य पहुंचाया जाए, उसके प्रति समर्पित हैं। और इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं अगले उद्बोधन के लिए माननीय भाई साहब को आमंत्रित करता हूँ, डॉक्टर अशोक वाशर्ण भाई साहब जी। नमस्कार। इस वेबिनार में अभी पूज्य स्वामी जी नहीं जुड़े हैं, लेकिन उनको संबोधन तो करना ही चाहिए। पूज्य स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी, आरोग्य भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर बी एन सिंह जी शायद कहीं जुड़े हैं, आरोग्य भारती के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर प्रशांत गुप्ता जी, नेमिनाथ कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर प्रदीप कुमार गुप्ता जी, डॉक्टर तृप्ति अग्रवाल जी, अपने आरोग्य भारती काशी प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रनील बसु जी, डॉक्टर गणेश प्रसाद जी अवस्थी, अवनीश जी, अन्य डॉक्टर नवीन जी जोशी, शायद अतुल जी भी दिखाई पड़ रहे हैं कहीं, तो ऐसे सभी बंधु भगनीगण सभी को नमस्कार। मुझे तो केवल इसमें थोड़ी प्रस्तावना रखनी है। मैं भी अन्य जो अनुभवी व्यक्ति हैं जिनके अनुभव इसमें आने वाले हैं उनको सुनने के लिए ही मैंने ज्वाइन किया है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और केवल प्रकृति में ही परिवर्तन नहीं होता, मनुष्य और जीव जंतुओं में भी परिवर्तन होता है। प्रकृति के बारे में कहा जाता है कि 1/3 परिवर्तन निरंतर चलता रहता है, और इसीलिए कुछ समय के पश्चात हमको एकदम नवीनता दिखलाई पड़ती है, और इसी को हम इवोल्यूशन का नाम देते हैं, क्रमिक विकास। इसी में से ही बहुत सारी चीजें हमको दिखाई पड़ती हैं। हम देख रहे हैं आज हमारे सामान्य जीवन में रेडियो है, टीवी है, मोबाइल है, गैजेट्स हैं, हम स्मार्ट वॉच है, पैथोलॉजिकल टेक्नोलॉजीज हैं, ऐसे हर क्षेत्र में देखेंगे तो विकास है, और पिछले कुछ समय से हर बार कुछ ना कुछ नया अपने को देखने को मिलता है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हम इस वेबिनार में हैं, वास्तव में इससे अच्छा और उदाहरण नहीं हो सकता हमारे लिए कि जब हम अपने अपने स्थानों पर हैं लेकिन हम एक दूसरे के विचार सुन भी रहे हैं
अपने विचार व्यक्त भी कर रहे हैं और रिकॉर्डिंग के बाद में भी लोग देख रहे हैं। तो यह आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुरूप यह एक वेबिनार का क्रम शुरू हो गया और लोगों ने ज्वाइन करना शुरू किया। और उसी तरह से समसामयिक परिस्थिति में भी देखें तो ध्यान में आता है कि इस कोरोना कालखंड में सभी एक प्लेटफॉर्म पर हैं। विकसित देश होंगे या कम विकसित देश होंगे या विकासशील देश होंगे, सभी देश एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं। हर एक के यहाँ महामारी है, हर एक के यहाँ पेशेंट्स हैं। जिसने जितनी सावधानी लेनी उसने उतना ही लाभ प्राप्त कर लिया। इतना ही नहीं तो पूरे विश्व में अभी मॉडर्न मेडिसिन के अंदर कोई भी इलाज नहीं है, दवाई नहीं है। हम दूसरी दवाओं का हम उपयोग इसके इलाज में कर रहे हैं क्योंकि वहां पर सिप्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। और इसलिए चाहे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो या रेमडेसिविर हो, ये दोनों अलग अलग रोगों के लिए दवा बनी, लेकिन आज कोरोना में उसका प्रयोग कर रहे हैं। जो हम प्रयोग कर रहे हैं आवश्यक नहीं कि वो सफल होगा, कहीं हो रहा कहीं नहीं भी हो रहा है। और इसलिए जो आयुष इंटरवेंशन हुए आयुर्वेद के संबंध में, जो दो बार काढ़ा देने के लिए जारी हुआ नोटिस आया, मैंने जानकारी दी गई, या होम्योपैथी के संबंध में जानकारी दी गई, यह आज एक अच्छा परिणाम निकाल रहे हैं। और केवल हमारे देश में नहीं, देश के बाहर भी है। मैं भी सुन रहा था एक इंटरनेशनल वेबिनार में, अमेरिका में 65% आयुर्वेद की दवाओं का प्रयोग करने लगे वहां के लोग। ऑस्ट्रेलिया में होम्योपैथी का बहुत अच्छा विस्तार है, वहां पर पहले से ही है। ब्राजील में होम्योपैथी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी, अच्छा प्रयोग है। सौभाग्य से जहां जहां पर इन आयुष इंटरवेंशन का प्रयोग हुआ है, चाहे वो ट्रीटमेंट ओरिएंटेड है या प्रोफाइलेक्टिक डोज में है, हर जगह उसने अपना अच्छा परिणाम दिखाया है। होम्योपैथी में नोट्स की भी चर्चा होती है। नोसोट्स ये पैथोजन से डेवलप की हुई दवा है, और केवल दवा नहीं, एक प्रकार है, जैसे वैक्सीन होते हैं वैसे ही एक होम्योपैथिक वैक्सीन है। इनके बारे में अच्छे ट्रायल भी हुए हैं, चर्चा भी हुई है, आगे भी होने वाले हैं। और इसलिए यह जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है, ये प्रिवेंटिव एस्पेक्ट ही सबको अपनाना पड़ रहा है और इसका परिणाम भी मिल रहा है। अभी हम जो अनुभवी चिकित्सक जिन्होंने अलग अलग प्रकार से अनुभव लिए वो सुनेंगे भी, और यह वर्ल्ड वाइड है। एक पहलू और भी है कि इसमें इसके ट्रीटमेंट में सभी एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, सभी राज्य सरकारें, सभी राजनीतिक संगठन, सभी सामाजिक संगठन, सभी एनजीओ, इवन यहां तक कि हमारे युवा विद्यार्थी टेक्नोक्रेट्स, वो भी कैसे अपना योगदान कर सकते हैं। आईआईटी के विद्यार्थी अलग अलग प्रकार के वेंटिलेटर्स डेवलप कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया एक ही दिशा में काम कर रही है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जहां ये अपॉर्चुनिटी है वहीं चैलेंजेज भी है। अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेज एक साथ आते हैं, और ये अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेज को ठीक से समझना पड़ता है। अपॉर्चुनिटीज का उपयोग करना और चैलेंजेज को फेस करना, यह हमारे लिए है। अगर हम, जैसे हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि आयुष इंटरवेंशन को स्वीकार किया गया पूरे वर्ल्ड वाइड, उसी तरह से हमारे लिए चैलेंज भी है कि आज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, ब्यूरोक्रेट्स है, मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर है, उनमें से अधिकांश की स्थिति कैसी है? क्या हर्बल के नाम से कोई भी चीज आएगी तो उसको स्वीकार करेंगे, लपक लेंगे एकदम। और वही चीज अगर आयुर्वेद के नाम से आएगी, नहीं, वो स्वीकार नहीं होती। होम्योपैथी के बारे में अलग अलग धारणा है, ये उनके अज्ञानता का ही कारण है कि उनको जानकारी नहीं। लेकिन कठिनाई है कि उनका अपना अहंकार भी इतना ज्यादा है कि वे नई चीज सीखना भी नहीं चाहते। यही हमारे लिए पहलू है।
लेकिन इसकी सबसे अच्छा पहलू जो है इस विषय का वो है कि सोशल एक्सेप्टेंस है। ये सोशल एक्सेप्टेंस ही हमको आगे बढ़ाने वाली है। सोशल एक्सेप्टेंस को हम जितना आगे बढ़ाएंगे वही हमारे काम में आने वाला है। जैसे योग के क्षेत्र में हुआ कि भारत में उसका अच्छा प्रचलन है, कुछ देशों में भी है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जैसे ही उसको स्वीकार किया, हमारा पहले से किया हुआ होमवर्क और हमारी तैयारी और पूरे विश्व में फैले हुए योग शिक्षक, उन्होंने एक साथ सारे जुड़ गए और इसमें यूएनओ का सहयोग मिल गया तो पूरे सहज रीति में स्वीकार हो गया। शायद यही मार्ग हमको आगे आने वाले दिनों में आयुर्वेदिक इंटरवेंशन में और होम्योपैथिक इंटरवेंशन में करना पड़ेगा। सोशल एक्सेप्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा और हम लोकल को इसको और वोकल कैसे कर सकते हैं, इसका डाटा कलेक्शन बढ़ाना पड़ेगा, रिसर्च पेपर्स पब्लिश करने पड़ेंगे। आज रिसर्च पेपर्स हैं हर एक के बारे में, पब्लिश भी हो रहे हैं। यही हमारे रिसर्च पेपर्स, यही डाटा कलेक्शन हमको भविष्य में काम में आने वाले हैं। और एक पहलू है इसका, सोशल एक्सेप्टेंस को हमको थोड़ा लॉजिकल बनाना पड़ेगा। आज समाज की अवस्था कैसी है, वो स्वयं से परिश्रम नहीं करना चाहता, वो रेडी टू यूज प्रोडक्ट चाहता है। उदाहरण के लिए अभी आयुर्वेदिक काढ़े के लिए एडवाइजरी जारी हुई, पूरे देश भर में मैं बैठक भी ले रहा हूं तो ध्यान में आ रहा है कि सूखा आयुर्वेदिक पाउडर वो सबको दिया जा रहा है। सरकार भी दे रही है, सामाजिक संगठन भी दे रहे हैं, इवन कॉमर्शियल यूज भी हुआ उसका, लोगों ने उसके पैकेट बनाकर बिक्री भी शुरू की, कुछ लोगों ने उसे टैबलेट फॉर्म दे दिया, उसको एक अच्छा एक स्वरूप दे दिया कि इस तरह आप प्रयोग करिए तो काढ़ा तैयार हो जाएगा। अब स्वाभाविक रूप से जब लोगों को टैबलेट फॉर्म में मिलेगा तो लोग स्वीकार कर लेंगे, ज्यादा स्वीकृति हो जाएगी और इसीलिए हमारे लिए यह आवश्यक है। होम्योपैथी के क्षेत्र में जो सबसे अच्छी विशेषता है कि जल्दी उससे नुकसान नहीं होता, बहुत सस्ती होती है। आयुर्वेदिक काढ़ा बनाने में शायद 5 दिन के लिए, 1 सप्ताह के लिए 100 रुपए खर्च करना पड़ेगा, लेकिन होम्योपैथी दवा के लिए शायद 1 या 2 रुपए में ही काम हो जाएगा और पूरे परिवार का लाभ हो जाएगा, सप्ताह भर के लिए हो जाएगा, पूरा डोज पर्याप्त है। और इसीलिए यह कॉस्ट इफेक्टिव है, आसानी से उपलब्धता भी है उसकी, हमको इस बारे में सोचना चाहिए। पूरे देश में अच्छे अच्छे प्रयोग भी हुए हैं, गोंदिया में प्रयोग हुआ है, अभी डॉक्टर प्रदीप जी यहाँ पर हैं, वे आगरा के अपने प्रयोग हम सबको शेयर करने वाले हैं। इसमें और एक बड़ी कठिनाई है, पिछले एक लगभग 10-15 दिन से मेरे सामने भी है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ उसमें। कल रात में एक समाचार पढ़ने को मिला, राजस्थान का समाचार, कि आयुष इंटरवेंशन हुआ, उसके डाटा सबमिट किए गए, सब कुछ ठीक ठाक किया, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो संबंधित अधिकारी हैं उसको कॉग्निजेंस ही नहीं किया। वो समाचार पत्र में समाचार छपा, वहां के माननीय राज्यपाल जी ने इंटरवेंशन किया उसमें, उन्होंने रिपोर्ट मांगी, तो भी मांगने के बावजूद अभी बहुत कुछ हुआ नहीं है उसमें, वो वहीं के वहीं रुका हुआ है। ऐसी स्थिति शायद आगे भी आएगी, लेकिन ये सोशल एक्सेप्टेबिलिटी है, यही हमको आगे बढ़ाने वाली है। शासन के स्तर से अपने अपने प्रयत्न होंगे, उनको किया भी जा रहा है और भी अधिक प्रयत्न करने वाले हैं। केंद्र शासन की ओर से मोटिवेशन भी है इस दृष्टि से, और जो जो अवरोध है उनको हटाने के प्रयत्न भी चल रहे हैं अलग अलग प्रकार से, लेकिन तो भी हमारे लिए आवश्यक है कि हम इस सोशल एक्सेप्टेंसी का उपयोग करते हुए अपने काम को जारी रखें, उसको अधिकाधिक वोकल बनाएं, व्यवहारिक बनाएं, डाटा कलेक्शन करें, रिसर्च पेपर पब्लिश करें। हमारी यही मेहनत हमको आगे काम में आने वाली है। हम इस और भी कुछ चीजें हैं जिनकी चर्चा और शायद हो सकती है। वैसे स्वर्ण प्राशन संस्कार है, बहुत अधिक आवश्यकता उसकी चर्चा होनी चाहिए। नो सोर्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए, बहुत कम जानकारी है। गर्भ संस्कार, यह भी एक विषय जिसकी चर्चा होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो समाज में सीधे जा सकते हैं, जो समाज में हर व्यक्ति के लिए उपयोगी हैं, और हम सब मिलकर अगर इसमें एक साथ काम किए तो अवश्य ही केवल इस सोशल एक्सेप्टेंसी की और होमवर्क की और पूर्व के द्वारा किए गए कार्य के माध्यम से हम आगे बढ़ते जाएंगे
केवल आगे नहीं बढ़ेंगे, बहुत जल्दी सफल भी होकर दिखाएंगे, केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी स्थिति होने वाली है। और इसीलिए यह वेबिनार जो अनुभव कथन इसमें सुनने को मिलेंगे अवश्य सार्थक सिद्ध होगी, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय। धन्यवाद भाई साहब आपके आशीर्वचनों के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए। क्या मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अब हम आज के अपने स्वामी जी हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, कुछ समस्या आ रही है उनको, थोड़ी देर में जुड़ेंगे फिर हमको आशीर्वाद मिलेगा उनका। मैं वैज्ञानिक सत्र की तरफ आगे बढ़ता हूं और सबसे पहले अपने मुख्य वक्ता के रूप में मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार गुप्ता सर, जो कि मेंबर नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल आरोग्य भारती, आपने MD आयुर्वेद बाल रोग में 2009 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पूर्ण किया है। आप 2010 से 2013 चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान न्यू दिल्ली में कार्यरत रह चुके हैं। आप गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पीलीभीत में भी अपनी सेवा दे चुके हैं और इस समय गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज रायपुर में रीडर बाल रोग विभाग में कार्यरत हैं। मैं सर आपको आमंत्रित करता हूँ और अपने आशीर्वचनों से, अपने उद्बोधन से और जो आपके अनुभव हैं कोविड से संबंधित, आप उसको हम सभी के बीच में शेयर करेंगे। डॉक्टर प्रशांत कुमार गुप्ता सर, मैं आपको सर अनम्यूट कर देता हूँ। जी सर, स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। पूज्य स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी को मेरा सादर नमन, यद्यपि वो यहाँ नहीं है अभी। आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉक्टर अशोक जी वाष्णे, आरोग्य भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर BN सिंह जी, डॉक्टर GP अवस्थी जी, मेरे साथी वक्ता डॉक्टर प्रदीप जी, इंद्रनील बसु जी, डॉक्टर BN आचार्य जी, डॉक्टर अवनीश पांडे जी, डॉक्टर तृप्ति जी अग्रवाल, आयोजक गण के लोग, मेरे एक और सीनियर यहाँ हैं डॉक्टर प्रभाकर शंकर पांडे जी, मेरे आरोग्य भारती तथा अन्य संगठनों के कार्यकर्तागण, भगिनी और बंधुओं। मेरा विषय आज कोविड और आयुर्वेद क्लिनिकल ट्रायल्स करके ऐसा मुझे एक टेक्निकल विषय दिया गया था। यद्यपि ये आंकड़ों से भरा विषय है पर मैं थोड़ी सी एक भूमिका बनाता हूँ, बताता हूँ आपको कि ये कैसे प्रोसीड की है। मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है आवाज। अच्छा, ओके। तो जब कोविड ने भारत में दस्तक दी तो ऐसी परिस्थिति थी कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और रूल्स 45 में ऐसा कोई नियम ही नहीं था जिससे आयुर्वेद की औषधियों पर त्वरित तौर पर कोई क्लिनिकल ट्रायल किया जा सके। ऐसी परिस्थिति में आयुष मिनिस्ट्री आगे आई और आयुष मिनिस्ट्री आगे आई तो बहुत बड़ी चीज हुई कि 21 अप्रैल को उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया जो बाद में गजट का रूप लिया। उसमें उन्होंने ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया और CDSCO के साथ मिलके कंसल्टेशन में एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें उन्होंने कहा कि आयुष की मेडिसिन को अब इस नोटिफिकेशन के बाद एलोपैथी, होम्योपैथी और IMCC मतलब आयुर्वेद के जो विशेषज्ञ हैं या रिसर्चर्स हैं उनके साथ मिलके एक रिसर्च या क्लिनिकल ट्रायल डिजाइन किया जा सकता है। एक अनिवार्यता क्या थी कि जिस पैथी की दवाई है उसका एक विशेषज्ञ उस टीम में होना जरूरी है, साथ में ही उस इंस्टीट्यूट के रिसर्च कमेटी और इंस्टीट्यूशनल इथिकल कमेटी से वो पास होना चाहिए और ICMR या फिर आयुष की गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। एक और बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया CTRI में उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो जब हमें ध्यान आया कि जब मुझसे ये विषय रखने को कहा गया कि क्लिनिकल ट्रायल्स, तो मैंने CTRI को ही अपना आधार बनाया है। CTRI क्योंकि एक भारत की एक संस्था है और दूसरी एक ऑथेंटिक न्यूज स्प्रेड करती है। तो जब मैंने कल शाम, मतलब क्योंकि ये आंकड़े बहुत तेजी से बदलते हैं, तो कल शाम तक के जो आंकड़े थे वो क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया पे कोविड से रिलेटेड कुल 168 क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्टर्ड पेंडिंग या सबमिशन कह सकते हैं, 168 सबमिटेड है। आपको आश्चर्य होगा उसमें से 52
आयुष से संबंधित हैं, जिनमें से लगभग 37 आयुर्वेद प्रॉपर, होम्योपैथी से 10, योगा से 4 और यूनानी और सिद्धा से 1-1। इनका आगे मैंने विश्लेषण किया तो मुझे पता चला कि इनमें से मात्र एक ही स्टडी ऑब्जर्वेशनल, मतलब जो देख रहे हैं, सिर्फ कोई इंटरवेंशन नहीं कर रहे, ऐसी स्टडी सिर्फ एक है। बाकी 37 स्टडीज आयुर्वेद की, 36 इंटरवेंशनल है, मतलब कोई ना कोई दवाई दी जा रही है साथ में या अकेले। तो जब उनको और विस्तार में देखा तो पता चला कि 23 ऐसी औषधियां हैं जो क्लासिकली यूज होती थी भारतवर्ष में और उनको अभी हम क्लिनिकल ट्रायल में ले रहे हैं। 12 जो अभी अनुभूत योग, जिन्हें हम लोग पेटेंट्स कहते हैं, और 2 न्यूट्रास्यूटिकल्स, मतलब वो हैं तो हर्ब ही लेकिन आयुर्वेद से उसका संबंध नहीं है। जैसा भाई साहब ने बताया कि लोग थोड़ा सा परहेज करते हैं आयुर्वेद से, जबकि हर्ब कहने पे वो बहुत पोटेंटली लेते हैं। तो ऐसा करके न्यूट्रास्यूटिकल्स में कुरकुमिन पे 2 चल रहे। यदि हम औषधियों की बात करें तो कौन सी औषधियां प्रोमिनेंटली यूज हो रही हैं, वो है गुड़ुची, अशोगंधा, गुड़ुची पे 8, अश्वगंधा पे 7, च्यवनप्राश पे 4, तुलसी 1, एक और क्वाथ है जो कॉमनली, हालांकि किसी भी गाइडलाइंस में या एडवाइजरी में नहीं है, लेकिन वो विवेक पे, उस पे क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है, वो किरा तिक्ता आदि क्वाथ करके आयुर्वेद में एक दवाई है। और आयुष 64 में 4 ट्रायल्स हो रहे हैं। अगर ये होम्योपैथी की बात करें तो लगभग 10 ट्रायल्स हो रहे हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं, और जिनमें आर्सेनिकम एल्बा 30, 7 ट्रायल्स, ब्रायोनिया एल्बा गेलसेनियम, एंटीमोनियम टार्टेरियम एंड क्रोटालियस हॉरिडस, आई थिंक अगर मैंने प्रोनाउंसिएशन सही नहीं किया तो मुझे क्षमा कीजिएगा। स्थानों की बात करें तो सबसे ज्यादा ट्रायल्स जो हो रहे हैं वो महाराष्ट्र में 15 ट्रायल्स हो रहे हैं, दिल्ली में 10 ट्रायल्स हैं, गुजरात राजस्थान में 6, उत्तर प्रदेश में 3, ऐसे कुल 19 राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में 65 स्थानों पर ये क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं। होम्योपैथी के 10 ट्रायल्स स्थान, उनके लगभग 17 स्थानों पर क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं। महत्वपूर्ण स्थान कौन से हैं? चौधरी ब्रह्म प्रकाश, हमारे साथ जुड़ी हुई डॉक्टर तृप्ति अग्रवाल है, वो अपने एक्सपीरियंसेस आज शेयर करेंगी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, अनेकों मेडिकल कॉलेजेस जहां पर आयुर्वेद और मॉडर्न एक साथ चल रहा है। ये टेक्निकल बात हुई, या ये बात वो हुई जो जिसे हम बोलेंगे कि अधिकृत तौर पर ये बातें हैं। अभी एक जनसामान्य में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो सभी कोविड हॉस्पिटल्स हैं, एक्सेप्ट कोविड हॉस्पिटल्स, कोविड हेल्थ केयर्स, आइसोलेशन, क्वारंटाइन्स, इन सब स्थानों पर हम देख रहे हैं कि योग हो रहा है, उष्ण जल प्रयोग हो रहा है, सुपाच्य भोजन दिया जा रहा है, और सत्वावज है, मतलब काउंसलिंग, जो हम लोग टेली काउंसलिंग का नाम ले रहे हैं आज की डेट में, वो यूज हो रही है। और आई थिंक ये ज्यादा ऑथेंटिकेट है, ये ज्यादा उत्साहवर्धक है कि जैसा भाई साहब ने अभी बताया है कि लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, सिस्टम विल टेक टाइम, बट जो भी आप किसी भी जिस भी सेटिंग में जाते हैं, आइसोलेशन है, क्वारंटाइन है, सीएच है, वहां लोग कह रहे हैं कि वी नीड हैप्पीनेस, हमें हैप्पीनेस चाहिए, हमें प्राणायाम करना है, हमें योग करना है। तो ये एक बहुत अच्छा उत्कृष्ट पहलू है इस बात का। मेरे से एक और निवेदन था कि रिजल्ट्स के बारे में मैं बताऊं, यद्यपि ये बहुत शीघ्र होगा कि मैं रिजल्ट्स के बारे में बोल पाऊं, क्योंकि ऑथेंटिकली अभी कोई भी क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ है, परंतु उत्साहवर्धन के लिए मैं कुछ प्रिलिमिनरी आंकड़े हैं जो न्यूज से या जो ऑफिशियल सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट्स की जो प्रेस ब्रीफिंग्स होती है वहां से लिए हुए हैं। गुजरात सरकार के अनुसार लगभग 1600 लोग आयुर्वेद से इलाज करा के आज ठीक हो चुके, घर जा चुके, तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीज है। वहां उन्होंने एक बहुत अच्छा विकल्प दे रखा है अपने, जो भी संक्रमित हो रहा है, जो भी क्वारंटाइन में, आइसोलेशन में, कोविड हेल्थ केयर में आ रहा है, उनको एक विकल्प दिया हुआ है कि यदि आप चाहें तो आप एलोपैथी से, होम्योपैथी से और आयुर्वेद से, इनसे अलग अलग या एक जुड़ी हुई, ऐसे करके आप अपनी चिकित्सा ले सकते हैं। चौधरी ब्रह्म प्रकाश में भी लगभग पिछली सूचना मिली थी कि 160 के करीब रोगी पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर जा चुके हैं, यहाँ पूर्णतः आयुर्वेद के तरीके से इलाज हो रहा है। अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगा, संक्षेप में मैं अपना विवरण रखना चाहता था, तो आयुष मिनिस्ट्री ने क्रमबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से अन्य निकायों, संस्थानों, मंत्रालयों के साथ एक समन्वय की परिस्थिति बनाते हुए आयुर्वेद को
होम्योपैथी को मुख्य धारा में लाए। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण कि यदि आप आज क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया उठाते हैं, उसका डेटा उठाते हैं, तो एक तिहाई कोविड से रिलेटेड जो एक तिहाई क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो आयुष में चल रहे हैं। और आयुष में क्यों चल रहे हैं, क्योंकि आयुष में जो अभी भाई साहब ने बताया, रीपर्पजिंग बहुत आसान है। हम अनेकों सालों से या शताब्दियों से हम जो औषधियां यूज कर रहे हैं, दे आर एविडेंस बेस्ड, दे आर टाइम टेस्टेड, और उनकी रीपर्पजिंग मतलब उन्हें दूसरे रोग में यूज कर पाना सरल होता है। जैसा कि हमने देखा है कि आज हम अश्वगंधा की बात कर रहे हैं, गिलोय की बात कर रहे हैं, ये सब हम रीपर्पज कर रहे हैं क्योंकि शास्त्र में कहीं कोविड का वर्णन नहीं, लेकिन ये कहा है कि व्याधिक क्षमता के लिए उत्कृष्ट औषधि है। अंत में मैं आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे ये बात रखने के लिए समय दिया। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार आपका। हमसे स्वामी जी का संपर्क नहीं हो पाया है, परंतु स्वामी जी का आशीर्वचन हमें जरूर मिलेगा, क्योंकि आयुर्वेद ये मानता है कि जन्मतो ध्वंस अधर्म की वजह से होता है, और जब तक हम धर्म की बातें नहीं करेंगे, आध्यात्म की बातें नहीं करेंगे, सत्वावज्ञा की बातें नहीं करेंगे, दया व्यापाश्रय की बातें नहीं करेंगे, शायद हमारा वेबिनार, शायद हमारा कोविड के खिलाफ जो लड़ने की मुहिम है वो अधूरा रह जाएगा। एक प्रयास मैं करने जा रहा हूँ, थोड़ी सी त्रुटि होगी क्षमा करिएगा। स्वामी जी फोन के माध्यम से हमें आशीर्वचन देने जा रहे हैं, मैं उनसे कनेक्ट कर रहा हूँ। हेलो जी, नारायण जी। जी स्वामी जी, नारायण नारायण। आपको सब लोग सुन सकते हैं स्वामी जी, अब आप अपने आशीर्वचन से हम सभी को अनुग्रहित करेंगे स्वामी जी। स्वामी जी एक और हमारे डॉक्टर अवस्थी जी, सभी लोगों ने जिस साल इस कोरोना महामारी के कारण वेद विज्ञान के द्वारा यह आयोजन किया वो स्तुत्य है, स्वागत योग्य है। एक संत के नाते में इतना ही कहूंगा कि पूरी दुनिया पुनः आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा प्रणाली की तरफ लौटे, यह समय की आवश्यकता ही नहीं पूरे विश्व की एक मजबूरी भी है। जब हमारे मनीषी अनंत काल से कहते रहे कि सूर्य के सापेक्ष जीवन अर्थात सूर्योदय से पूर्व जागरण, सूर्यास्त के बाद जल्दी सो जाना, तो इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता था। हमें लगता था हम रात्रि में काम करते। 2 वर्ष पूर्व जो नोबेल पुरस्कार मिला उस सूर्य सापेक्ष के सिद्धांत के आधार पर, अर्थात यह सिद्धांत आयुर्वेद का सिद्धांत है। दुनिया भले एलोपैथ की बात करे, जिस एलोपैथ की आज बात की जाती है और एलोपैथ में आयुर्वेद, होम्योपैथ तथा अन्य प्रकार की प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों को दबाने का काम किया, परिणाम सबके सामने है कि एक महामारी ने पूरे विश्व के उन शक्तिशाली राष्ट्रों को, जो यह कहते हुए नहीं थकते थे कि स्वास्थ्य सेवाएं हमारी विश्व में नंबर 1 है, हमारी विश्व में नंबर 2 है, जिनकी स्वास्थ्य सेवा इटली की विश्व में नंबर 2 थी वो सबसे ज्यादा लाशक गिन रहे थे। अमेरिका 1 लाख से अधिक लाशें गिन चुका, ये उन स्वास्थ्य सेवाओं का हाल था जिनके पास एलोपैथ करने के लिए चिकित्सा प्रणाली ये सब कुछ था। आज वो इस बात पर विवश हो गए कि सोचने पर आखिर भारत की ऋषि परंपरा में वह कौन सी चिकित्सा प्रणाली थी। धन्यवाद।
धर्म सम्राट सर्वपत्री जी ने एक उपनिषद वाक्य का प्रयोग किया कि वैद्यो नारायण हरि औषधि तोयम, वैद्य साक्षात भगवान है और औषधि क्या है, गंगा का जल है। आप पिछले 50 वर्षों से गंगा के जल पे विभिन्न शोध प्रबंधों के आधार पे ICMR ने भी कहा है कि बैक्टीरियोफाज जो गंगा में पाया जाता है, T4 बैक्टीरियोफाज, यह अन्य दुनिया की नदियों में मिलने वाले किसी बैक्टीरियोफाज से अलग है और यह सुपर सब को भी समाप्त करने के सामर्थ्य, इसके कारण आयुर्वेद में निष्काम और श्रद्धा पूर्ण शुक्ति बने। प्रश्न आया इम्यूनिटी सिस्टम, हम दवाओं से एंटीबायोटिक चिकित्सा प्रणाली से यह पूरे दुनिया का एलोपैथ मानता है कि 20% एंटीबायोटिक चिकित्सा प्रणाली सिर्फ बाहर से संक्रमण रोकने में सक्षम है, 80% तो हमें अंदर से स्वस्थ होना है, यह स्वस्थ करेगा कौन? ये इम्यूनिटी सिस्टम हम कई शब्दों में सूर्य के द्वारा काम आत्मबल अथवा हमारा स्वयं का रोग से सीने की लड़ने की स्थिरता, यही हमें शक्ति प्रदान करेगी और यह काम सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद में है और एक हद तक होम्योपैथ में प्राकृतिक चिकित्सा प्रणालियों में है। मुझे लगता है आरोग्य भारती ने एक बहुत सही समय पर इस वेबिनार का आयोजन करके, मैं बहुत चाहता था लेकिन ये चाइना के ऐप और चाइनीज सामान समय पर धोखा दे सकते, तो उसी का पहला प्रत्यक्ष तो नहीं आपसे जुड़ पाया, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आज पूरा विश्व इस कोरोना के महामारी में वेलेंटाइन से क्वारंटाइन तक की यात्रा पूर्ण कर रहा है। आलिंगन मत होना, दुनिया में ऐयाशी मौज मस्ती वेलेंटाइन के समान और प्रतीक थे। एकांतवास, निज की साधना, निज का तप, हमारी यह क्वारंटाइन की जो यात्रा है, एकांतवास की जो यात्रा है, ये भारत के ऋषि मनीषा के द्वारा, हमारी ऋषि परंपरा के द्वारा, या चरक के सिद्धांतों के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा हमें पता है कि स्त्री गर्भवती हो, बच्चा पैदा होता है तभी हम उसे क्वारंटाइन में जाते हैं 12 दिनों के लिए, जिसके छठियार और बकरी का। हमारे भगवान जगन्नाथ को भी खांसी सर्दी जुकाम हो जाए तो 40 दिन की क्वारंटाइन हम करा देते और फिर उन्हें काढ़ा पिलाते, फिर वो रथ पर बैठ करके भगवान जगन्नाथ निकलते हैं अपने नगर की प्रजा को देखने। तो पूरे विश्व को यह समझना पड़ेगा कि भारत की चिकित्सा प्रणाली, भारत का अध्यात्म जगत किस प्रकार पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर सकता है, और हमारा सौभाग्य है कि इस संकट की घड़ी में WHO ने भी अपने WHA वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चीफ, इन्होंने हमारे भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी को चुना। व्यक्तिगत तौर से मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी को जानता हूँ, 4-5 बार विधायक रहने के बाद भी, 2 बार से सांसद होने के बाद भी, हाल ही समय में अपने रोगियों को चिकित्सा देना, उनका इलाज करना, ये उनकी परंपरागत दिनचर्या में कभी बाधा। आज हम सभी का सौभाग्य है कि इस देश की बागडोर यशस्वी प्रधानमंत्री के श्री नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्तियों के हाथ में और हमारे स्वास्थ्य मंत्री WHA के इस समय प्रेसिडेंट है। मैं आप सभी
आरोग्य भारती जुड़े हुए चिकित्सकों से यही कहूंगा कि धर्म सम्मत विज्ञान सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद और उसके साथ भारत की परंपरागत चिकित्सा प्रणालियां प्राकृतिक चिकित्सा से लेकर के होम्योपैथी तक यही रास्ता दिखा सकती है। और मैं समझता हूँ कि आरोग्य भारती का यह प्रयास हम सभी के, और मैं एक नाम लेना नहीं भूलूंगा, हमारे काशी में डॉक्टर मनीष त्रिपाठी होम्योपैथ के डॉक्टर, और मेरा निरंतर संपर्क उनसे रहता है। मैं व्यक्तिगत तौर से डॉक्टर गणेश अवस्थी जी से बहुत लंबित जुड़ा हुआ हूँ। ये सभी एसएसटी होम्योपैथ के डॉक्टर हैं और इन्होंने कोरोना महामारी के काल में भी आर्सेनिक जैसी आर्सेनिक 200 मैं सुन करके आवाज था कि 3 खुराक 4 खुराक कितनी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, तो हमें लगता है कि प्रयोग करने में बुराई क्या है। अगर एलोपैथ दवा नहीं बना पाया तो एलोपैथ यह दावा करता है कि आयुर्वेद और होम्योपैथ के दावे सही है, अरे तुम्हारे दावे नहीं सही तो हमारे भी दावे उसी श्रेणी में रखो। आप भी कई दवाओं का सम्मिलन कर सकते हो तो हम भी कई दवाओं का मेल मिलाप कर। सवाल यह है रोगी को ठीक होना चाहिए, आरोग्य का जो सिद्धांत है आयुर्वेद का जो सिद्धांत है यह हमारा पश्चिम वेद जो आयुर्वेद है यह रोगी को निरोग करे, और इसके लिए हम यजुर्वेद का अन्य स्थानों पर भी उपनिषदों में कुछ श्लोकों की चर्चा आई है। जब हम कहते हैं सर्वे भवन सुखिनम तो दूसरा वाक्य बोलते हैं सर्व निरामया, यह जो निरामया करने की सेवा है यह आरोग्य भाषी के द्वारा शुद्ध मन अध्यात्म से प्रेरित भारत की रीति परंपरा के अंतर्गत अपने जीवन का निर्वाह करने वाले हम सभी अपने गुरुओं को भारत की संत परंपरा की तरफ से आचार्य भगवत शास्त्री भगवान की तरफ से ढेरों सारा आशीर्वाद देते हैं। और हम यह कामना करते हैं कि महर्षि चरक की भूमि से यह आरोग्य का सिद्धांत कोरोना ही नहीं आगे भी आने वाले किसी भी वैश्विक महामारी भारत की चिकित्सा पद्धति मार्ग दिखाने में सक्षम और पुनर्साधित हो। नारायण श्रीहरि पुनश्च आरोग्य भारती अपने डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी और विभाग प्रमुख डॉक्टर गणेश अवस्थी जी मनीष त्रिपाठी जी सभी चिकित्सकों को ढेरों सारा आशीर्वाद भारत की संयंत्र परंपरा आचार्य परंपरा के नाते प्रदान करता हूँ। नारायण श्रीहरि। स्वामी जी आपका बहुत बहुत आभार। आशा है कि स्वामी जी के आवाज आप सभी को स्पष्ट आ रही होगी। आप तो वचन थे, थोड़ा सा ये मेरा प्रयोग था, अगर कोई त्रुटि हुई तो मैं क्षमा चाहता हूँ। इसी कड़ी में थोड़ा सा माहौल जो है वेबिनार का अध्यात्म में किया स्वामी जी ने, स्वामी जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, थोड़ा सा हमको हमारी संस्कृति की तरफ ले गया स्वामी जी। स्वामी जी ने बताया कि कैसे पुराने समय में सूतिका काल कितने दिन तक महिलाओं को क्वारंटीन किया जाता था, और आज भी उन्होंने कुछ उदाहरण दिए कि उड़ीसा में जगन्नाथपुरी भगवान श्री जगन्नाथ वो जब बीमार हो जाते हैं तो उनको कैसे क्वारंटीन किया जाता है, और कैसे आयुर्वेदिक विधि से बनाए गए काढ़े का प्रयोग उनको स्वस्थ करने के लिए किया जाता है। इन्हीं सभी बातों पर विचार व्यक्त किया स्वामी जी ने, स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी। अब आज हम अगले वक्ता के रूप में, क्योंकि चर्चा हो ही रही है और होम्योपैथ की बात ना करें तो ये उचित नहीं होगा, हमारे बगल में जो बैठे हैं सर जी डॉक्टर गणेश प्रसाद अवस्थी, अपने आप में एक अनुभवी होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी रह चुके हैं सेवानिवृत्त, और आपसे कुछ अपने अनुभव साझा करेंगे। डॉक्टर गणेश प्रसाद अवस्थी। धन्यवाद डॉक्टर अवनी जी,
हम तो अपने वक्ताओं को सुनना चाहते थे, लेकिन आपने मुझे होम्योपैथी में बोलने के लिए कह दिया, तो आइए संक्षेप में होम्योपैथी का एक परिचय। होम्योपैथी वह विज्ञान है कि लगता तो है कि ये विदेश से आया, लेकिन इसके सारे सिद्धांत हमारे भारतीय वांग्मय से मैच खाते हैं, और मुझे लगता है कि भारतीय वांग्मय से ही इसकी उत्पत्ति जैसा भ्रम होता है। होम्योपैथी की स्पष्ट धारणा है कि रोग, रोगी, दवा के बारे में जो कॉन्सेप्ट है होम्योपैथी का, कि बीमार कौन है। जब एक मरीज आके कहता है कि डॉक्टर साहब अच्छा नहीं लग रहा है, मन खराब है, भय उत्पन्न हो रहा है, तुरंत प्रश्न उठता है कि ये भय कहाँ हो रहा है, शरीर में, सिर में, हाथ में, पैर में, तो लगता है कि इस शरीर से अलग वह अनुभव कर रहा है, वह बीमार है। तो कौन बीमार है? एक चेतना बीमार है। इसको समझने के बहुत आसान तरीका है कि एक गांव में एक ही तालाब, वही पीने का स्रोत और सारे अपने दैनिक दिनचर्या को संपादित करने के वही साधन, वही पीने का भी पानी, बरसात में वो पानी प्रदूषित भी हो जाता है, 10 लोगों को लूज मोशन होने लगा, चिकित्सक आए, पूछा गया क्या हो गया, उन्होंने कहा विशलस डिसेंट्री हुआ। तो इस गांव में 1000 लोग रहते हैं, 999 को क्यों नहीं हुआ? तो चिकित्सक ने कहा कि उनकी जीवनी शक्ति सही है, इसलिए उनको नहीं हुआ। तो बीमारी के लिए जिम्मेदार वो वैशलस नहीं, बीमारी के लिए जिम्मेदार वो जीवनी शक्ति है जिसके क्षण होने पर वो बीमार हुआ। तो होम्योपैथी की स्पष्ट धारणा है कि यह जीवनी शक्ति जब तक हमारे शरीर में है, ठीक है, अरेंज है, तब तक हमें कोई भी बीमारी ग्रसित नहीं करता। इसको ऐसे समझा जा सकता है, एक आदमी का जब मृत्यु हो जाता है तो कुछ घंटे के बाद उसमें बदबू आने लगता है, कुछ दिन के बाद उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, लेकिन एक जिंदा इंसान में न तो बदबू आता है न तो कीड़े पड़ते हैं। क्यों? मरने के बाद बैक्टीरिया ग्रो कर गए, डिके होने लगा नेचर्स डिके ला के अनुसार। तो ये बैक्टीरिया तो हर जगह हर स्थान पर बराबर मात्रा में विद्यमान है, लेकिन उस मरे व्यक्ति में जिसमें जीवनी शक्ति समाप्त हो गई थी वहां यह ग्रो करने लगा, और जिनके शरीर में जीवनी शक्ति विद्यमान है वहां यह बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता है, वहां यह विकसित नहीं हो पाता है, वहां यह अपनी वंश वृद्धि नहीं कर पाता है, इसलिए यह बैक्टीरिया वहां निष्प्रभावी होता है। तो अब ये बात समझ में आई कि होम्योपैथी का मूल सिद्धांत है उस जीवनी शक्ति का जब विश्रृंखलन होता है तब आदमी बीमार होता है। जीवनी शक्ति को वाइटल फोर्स के रूप में डॉक्टर हेनमन ने कहा, और वो शुद्ध रूप से चेतना की बात है, चेतना कर करके, आत्मा कर करके, आध्यात्मिक की तरफ जा करके विवाद के पचड़े में न पड़ने के काम के वजह से उन्होंने डॉक्टर हेनमन ने इसको वाइटल फोर्स के रूप में इसको स्थापित किया। अब रही बात ये कि डॉक्टर हेनमन कहते हैं होम्योपैथी की स्पष्ट धारणा है कि द रूट काज ऑफ द ऑल डिजीजेज इज सोरा, समस्त रोगों की जननी सोरा है। तुरंत प्रश्न उठता है कि सोरा क्या है? तो सोरा ही ये इविल थिंकिंग, इविल थॉट, विकृत चिंतन ही सोरा है, अर्थात मन के मार्ग से ही रोग हमारे शरीर में प्रवेश करता है, और उसी का परिणाम है कि आज मनोदैहिक बीमारियों से पूरा विश्व जूझ रहा है। ढेर सारी बीमारियां हमारी मनोदैहिक विकृतियां हैं और जो असाध्य जैसी है, लेकिन यह होम्योपैथी मन को उस गहराई में जाकर काम करता है। अब रही बात ही कि बीमारी समझ में आ गया कि वो चेतन में है, बीमार चेतन है, बीमारी चेतना में है, तो औषधि ठोस पदार्थ कैसे उसको काम करेगा? तो होम्योपैथी के सिद्धांत में हमारे यहाँ डाइल्यूशन का सिद्धांत है। उस डाइल्यूशन में
आप जानते हैं कि जैसे ओनियन है, प्याज से हम दवाई बनाए, एक बार प्याज का रस लिया, 99 उसमें अल्कोहल डाला और शक्तिकृत किया, जब शक्तिकृत किया तब वह एक पोटेंसी बना सेंट्रीफ्यूगल स्केल में, फिर उसका 1 ml लेते हैं, 99 अल्कोहल डालते हैं, पोटेंसी 2 बनता है। हम यहाँ सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि हर बार उसकी जो डाइल्यूशन है वो बढ़ता चला गया और उसमें क्रूड मात्रा जो है वो घटता गया। अगर हम 12 पोटेंसी पर जाते हैं तो उस समय हमारे जैसे आरम मटेलिकम, ये सोना है, सोना से दवाई बना लिया और 12 पोटेंसी भी बना लिया, तो उसमें जो सोना के मात्रा होगा वो 10^-24 होगा, जबकि एवोगैड्रो नंबर के अनुसार 6.022 × 10^23। इसको ऐसे समझा जा सकता है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन में 6 लीक करके 23 सोना बनाइए, उतने मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। अगर 1 ml पानी में 1 मॉलिक्यूल हो तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 10^-23 से, लेकिन 24 होने पर अब 10 ml में है, 26 होने पर 100 ml में है। तो अब एक रोचक बात बता दें कि हमारी दवाइयां या 30 में सबसे ज्यादा प्रचलित है, 30 पोटेंसी की दवाई में क्रूड मात्रा का एक भी सिंगल एटम नहीं होता, उसमें डायनेमिक पावर होता है, उस डायनेमिक पावर से ही हमारी ये होम्योपैथी का उपचार होता है। कहने का आशय ये है कि हम होम्योपैथी के माध्यम से किसी बीमारी को नहीं ठीक करते हैं, हम मरीज को ही ठीक कर देते हैं, मरीज के उस जीवनी शक्ति को ठीक कर देते हैं, डिफेंस के प्रोसेस को बहाल कर देते हैं, जिसे मरीज स्वयं अपने बीमारी से लड़ लेता है। आज उसी की आवश्यकता पूरे विश्व में है कि हम अपने जीवनी शक्ति को बहाल कर दें, उसके डिफेंस प्रोसेस को बहाल कर दें। अगर ऐसा हो जाता है तो पूरा विश्व इस कोरोना और कोरोना के बाद भी कोई एडवांस कोरोना है तो उससे भी लड़ने की सामर्थ्य इस होम्योपैथिक में है, और यह होम्योपैथिक आगे हमारे पूरे विश्व के लिए वरदान सिद्ध होगा। मैं आज के लिए इतना ही करके अपने वाणी को विराम देता हूं और अवनीश जी को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने इसी बीच में मुझे भी बोलने का अवसर दिया, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं तृप्ति अग्रवाल जी को सुनना चाहता हूं, डॉक्टर तृप्ति अग्रवाल को, डॉक्टर मनीष जी से आग्रह करूंगा उनका परिचय देके उनको सादर आमंत्रित करें। धन्यवाद सर। हमारे अगले वक्ता के रूप में डॉक्टर तृप्ति अग्रवाल मैडम को मैं आमंत्रित करता हूँ, जो फैकल्टी हैं चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान न्यू दिल्ली में। आपने प्रसूति तंत्र में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से MS कंप्लीट किया है और वर्तमान में आप रिसेंटली आप कोविड हॉस्पिटल चौधरी ब्रह्म प्रकाश नई दिल्ली में कार्यरत हैं। आशा करते हैं कि मैडम से उनके अनुभव हम लोग को सुनने को मिलेंगे कि इस कोविड संक्रमण काल में कोविड के मरीजों की चिकित्सा के दौरान उनके क्या अनुभव रहे व्यक्तिगत। इन्हीं सभी विचारों को सुनने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर तृप्ति अग्रवाल मैडम को कि संक्षिप्त रूप में अपने अनुभव हम लोगों के बीच रखें। डॉक्टर तृप्ति अग्रवाल मैडम, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। मैम हेलो। यस मैम, मे आई ऑडिबल? यस मैम। आपको धन्यवाद। मैं अपने उद्बोधन के प्रारंभ में पूजनीय जितेंद्रानंद महाराज जी को सादर नमन करते हुए आरोग्य भारती के वरिष्ठ आदरणीय संगठन मंत्री जी भाई साहब वाष्णेय जी, डॉक्टर BN सिंह सर जी, बाकी अन्य सभी वक्ताओं और ऑर्गेनाइजिंग टीम के जो सदस्य हैं उन सभी को नमस्कार करती हूं। और जैसा कि आपने अभी सभी लोगों को बताया कि मैंने अभी चौधरी ब्रह्म प्रकाश में कोविड वार्ड में, हमारे यहाँ कोविड हॉस्पिटल बना हुआ है, वहाँ मैंने कोविड वार्ड में ड्यूटी की थी, तो उसके मैं अपने अनुभव यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। जब मैं कोविड वार्ड में ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो रही थी तो मेरे
मन में अनेक भाव उत्पन्न हो रहे थे कि वहां पर जो पेशेंट होंगे उनमें क्या क्या लक्षण होंगे, मैं पीपी पहनकर इतने देर तक कैसे रहूंगी। तो ये सारे अनुभव मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैं जब पहले दिन कोविड वार्ड में जहां मेरी ड्यूटी थी वहां पहुंची, तो वहां पर जब मैंने राउंड लिया तो हमारे यहाँ जो पेशेंट एडमिट हैं वह एसिम्प्टोमेटिक हैं, कुछ माइल्ड सिम्प्टोमेटिक हैं और कुछ पेशेंट्स मॉडरेट सिम्टम्स वाले भी एडमिट होते हैं। तो हमारा जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, जिसको आरोग्य भारती ने एक पहले वेबिनार आयोजित किया था जिसमें हमारे संस्थान की निदेशिका जो हैं उन्होंने उसमें भाग लिया था, उसमें उन्होंने उसकी चर्चा की थी, वो सभी मरीजों को दिया जाता है। उसके अलावा उनको जो लक्षण होते हैं जैसे बुखार है, किसी को खांसी है, सोर थ्रोट है, तो उनका भी हम इलाज जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन के द्वारा ही कर रहे हैं, जिसमें कि हम लक्ष्मी विलास रस, सिद्धोपलादि चूर्ण, टंकण भस्म आदि का प्रयोग करते हैं। हमारे यहाँ मरीजों को किसी भी प्रकार की एलोपैथिक मेडिसिन जैसे हाइड्रोक्लोरोक्वीन है या कोई भी एंटीवायरल ड्रग नहीं दी जा रही है। मरीजों के खाने पीने रहने की तो है, खाने पीने उनकी जो जरूरत की आवश्यकताएं हैं वो सब वहीं से मिल रही हैं। उनको गर्म पानी के लिए हर पेशेंट को पर्सनल कैटल दी हुई है इलेक्ट्रिक, जिसमें वो करके हर टाइम गर्म पानी पीते हैं। उसके अलावा मैं पीपीई किट के बारे में बताना चाहूंगी कि जब आप ड्यूटी पर जाते हैं तो आपको अच्छे से भोजन करना है और पानी भी उचित मात्रा में पीना है, क्योंकि जब आप पीपीई किट पहन लेंगे एक बार तो जब तक आपकी ड्यूटी रहेगी उसके बाद आप ना तो कुछ खा सकते हैं ना पी सकते हैं और ना ही कोई अन्य क्रिया कर सकते हैं। तो आप उसको पहनने से पहले पूर्ण रूप से तैयार होने चाहिए। और पीपी किट उतारते समय बहुत ज्यादा सावधानियां रखनी है, क्योंकि जो डॉक्टर्स संक्रमित हो रहे हैं वो ज्यादातर पीपी किट उतारते समय सावधानी ना रखने की वजह से हो रहे हैं। और इसके अलावा जो मैं चिकित्सकों के लिए ही कहना चाहूंगी जो कोविड वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं, कि जो आरोग्य भारती का मुख्य उद्देश्य है स्वस्थ, हमारा देश जो है स्वस्थ रहे, उसका प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहे, उसके लिए जो वो एक आदर्श जीवन शैली बताता है वह सबको अपने जीवन में रखनी चाहिए। जैसे मैं जब कोविड ड्यूटी पे थी तो मैं सुबह उठकर, और मेरी मॉर्निंग शिफ्ट में ही ड्यूटी थी, मैं सुबह उठकर डेली थोड़ी देर योगा करती थी, ओम चैंटिंग करती थी, मैं लंच देर हो जाती थी 4 बजे तक कर पाती थी, सुबह नाश्ता करके जाती थी अच्छे से, और रात को अल्प भोजन लेती थी, और आने के बाद ड्यूटी से अच्छे से पानी पीती थी। और मैंने अपने ड्यूटी के दौरान कोई भी प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन नहीं ली, मैं सिर्फ गुडुची गनवटी का सेवन करती थी, जो मैं अभी भी कर रही हूँ। और उसके अलावा हमारे यहाँ जो पेशेंट थे उनको ट्रीटमेंट के अलावा उन्हें सत्व चिकित्सा भी दी जा रही है, जिसको हम हैप्पीनेस थेरेपी कहते हैं। उसमें उन्हें योग आसन कराया जा रहा है, काउंसलिंग कराई जाती है, क्लैपिंग कराई जाती है, जिनके बहुत ही उत्साहवर्धक और संतोषजनक परिणाम भी मिल रहे हैं। इन्हीं सबके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत आभार, बहुत ही सुंदर अपने अनुभव का आपने साझा किया है। मैं, क्योंकि हमारा आज का ये विषय था COVID-19 एक्सप्लोरिंग न्यू पॉसिबिलिटीज, तो कुछ लोग चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, कुछ लोग शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो जो हमारा ये आज का वेबिनार हो रहा है ये आरोग्य भारती एवं आयुष दर्पण के वेब पोर्टल जो जर्नल है आयुष दर्पण का, दोनों के संयुक्त तत्वावधान में हो रहा है। जो टेक्निकल सपोर्ट है आयुष दर्पण का हो रहा है, और ये फेसबुक पे इस समय लाइव भी चल रहा है ये कार्यक्रम हमारा। फेसबुक आयुष दर्पण के संस्थापक उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नवीन जोशी सर हमारे बीच में हैं। मैंने जैसा कहा कि कुछ लोग चिकित्सा के क्षेत्र में लगे हुए हैं, कुछ लोग शिक्षा के क्षेत्र में लगे हुए हैं। जब से कोविड कालखंड प्रारंभ हुआ है, सर ने आयुष दर्पण के माध्यम से देश ही नहीं विदेश के
आयुर्वेद विशेषज्ञों को, चिकित्सकों को एक प्लेटफॉर्म पे, अपने प्लेटफॉर्म पे जोड़ा और चिकित्सा का एक नया दीप प्रज्वलित किया। और अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से रोज कई लेक्चर वो लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। मैं सर को आमंत्रित करता हूँ, डॉक्टर नवीन जोशी सर, कि आप अपने अनुभव को हम सभी के बीच में रखें। डॉक्टर नवीन जोशी सर, मैं आपको अनुरोध कर रहा हूँ सर। धन्यवाद अवनीश जी, ऐसा है मेरी आवाज आ रही होगी? मेरी आवाज आ रही? जी 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 सर, जी सर, जी सर, मेरी आवाज आ रही है? आप, आपकी आवाज आ रही है सर? नमस्कार जी, नमस्कार, आपकी आवाज आ रही है? जी जी, नमस्कार, धन्यवाद। और डॉक्टर अवस्थी जी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा हुआ कि जब COVID-19 स्टार्ट, तो हमारे मन में एक विचार आया, जो वैद्य हैं, हमारे जो आचार्य हैं, हमारे जो प्रोफेसर हैं, वो घर में जो है बैठे हुए हैं और ज्ञान गंगा उनके अंदर असीमित है, तो हमने टेक्नोलॉजी को एक माध्यम बनाकर के आयुष दर्पण जर्नल के थ्रू उन सभी को इस मंच पर लाया। और इससे एक लाभ ये हुआ कि चूंकि जैसा कि अभी अपनी जी ने बताया कि COVID-19 के कालखंड में लोगों में एक लगातार घर में बैठे रहने से अवसाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। यह अवसाद कहीं ना कहीं हमारे चिकित्सकों को भी और हमारे छात्रों को भी और हमारे जो शिक्षकों को भी के अंदर में भी था, क्योंकि जो लोग बहुत ही अपने आप को बहुत एक्टिव रखते हैं वो कहीं ना कहीं अपने घरों तक सीमित हो गए थे। और ऐसी स्थिति में हमने उन सभी हमारे प्रोफेसर, हमारे सब वरिष्ठ चिकित्सकों से संपर्क करना प्रारंभ किया और वो सभी प्रोफेसर्स ने अपने ज्ञान, खासकर जो आयुर्वेद में चर्चा की जाती है कि आयुर्वेद में लोग अपने अनुभवों को शेयर नहीं करते, बड़े ही अच्छे तरह से शेयर किया। और मुझे आपको बताते हुए बड़ा फक्र हो रहा है कि आरोग्य भारती संस्था के साथ हम लगातार लॉकडाउन के प्रारंभ से ही इस प्रकार के वेबिनार्स को चलाते रहे हैं। और ऊपर वाले की असीम अनुकंपा है कि आज भी जो है आपका आरोग्य भारती का यह कार्यक्रम जो होम्योपैथी के विद्वानों और विशेषज्ञों के साथ है, और परम आदरणीय आप आरोग्य भारती के संगठन सचिव और अध्यक्ष महोदयों की उपस्थिति में इसका संचालन हो रहा है। यह कार्यक्रम भी अत्यंत सफलतापूर्वक आयुष दर्पण जर्नल के फेसबुक पेज पर लाइव चल रहा है। देखिए कि अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ होता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि COVID-19 जैसी स्थितियों में आप हमें और केवल इस स्थिति से को साथ में लेकर के चलने की जरूरत है। और जो हमारे वक्ताओं ने, हमारे अभी संगठन सचिव महोदय ने कहा कि हमें इस पर तमाम सारी चीजें, पूरी दुनिया का जो हमारा ध्यान है वो आयुर्वेद और वैकल जो दूसरी चिकित्सा पद्धतियां हैं, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे और भी कोई सिस्टम हो जो इस प्रकार से इस वायरस के अगेंस्ट काम कर पाए, ये बहुत जरूरी है, एक बहुत अच्छी चीज। आज सुबह एक मैंने कहीं पे पोस्ट देखी थी, यदि धतूरे के बीच का आप फल का आप रूप देखें तो वो बहुत कुछ कोरोना से मिलता जुलता है। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने यदि हमें रोग दिए हैं तो रोग से मुक्ति के साधन भी दिए हैं। आवश्यकता पहचानने की है, जानने की है और उनका प्रयोग करने की है। निश्चित रूप से अब लॉकडाउन भी खुल रहा है और धीरे धीरे सभी चीजें पटरी पर आ रही है, लेकिन एक साथ में ये भी चीज है कि कोरोना भी उसी प्रकार से अब थोड़ा सा अपना प्रभाव दिखा रहा है। तो हमें जरूरत है कि होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेद हो, सभी चिकित्सा पद्धतियों को एक साथ मिलकर के जो भी हमारी अच्छाइयां हैं उसको साथ में लेकर चलने की जरूरत है। अवनीश भूषण पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे वक्त देने के लिए। आयुष दर्पण जनरल आपके हर ऐसे एकेडमिक इवेंट्स को अपना सहयोग देता रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद जोशी जी, बहुत बहुत आभार। आपके सहयोग से हम लोग बहुत ही सफलतापूर्वक नेशनल वेबिनार कर रहे हैं और उसका लाभ लोगों को मिल रहा है, लोग उसका यह सिद्धांत कर रहे हैं। आपके प्रति आभार, और आपका सहयोग मिलता रहे इसकी ऐसी मेरी शुभकामना है और ऐसी अभिलाषा भी है। अब हमारे बीच में नागपुर आयुर्वेद कॉलेज के संहिता सिद्धांत के विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजेश मिश्र जी हैं। मैं दो मिनट के लिए, मैं चाहता हूं कि वो भी अपने विचार इस वेबिनार में मुझे दिखाई पड़ रहे हैं और मैं अपने को रोक नहीं पा रहा हूं, उनको सुनना चाहता हूं।
तो मैं डॉक्टर विजेश मिश्र जी से आग्रह करता हूं कि वो भी अपने विचार रखें। सर अनम्यूट कर लीजिए, सर अनम्यूट कर लीजिए। यस ठीक है सर। नमस्कार सभी को, आरोग्य भारती के इस सेमिनार में मैं सभी को प्रणाम करता हूं। अपने भाई अवनीश पांडे जी, वार्ष्णेय जी और हमारे जोशी जी, जितने भी लोग हैं सबको प्रणाम करता हूं। आज के इस संकट में पूरा विश्व एक साथ है, पूरा भारतवर्ष एक साथ है और हम सभी आयुष चिकित्सक मिलकर के अपने तन मन धन से देश के लिए पूरी तरह से कार्य कर रहे हैं। हमारे आयुर्वेद महाविद्यालय नागपुर में हम जो है रोज कोरोना कवच के नाम से आयुर्वेद काढ़े का निर्माण करते हुए हजारों लोगों को रोज लाभ पहुंचा रहे हैं। मैं आपको उसके लिए अवगत कराना चाहूंगा कि हम जिस प्रकार से काढ़े का उपयोग कर रहे हैं उससे काफी ज्यादा लोगों को फायदा हो रहा है। उस काढ़े के अंतर्गत जो है हम चिरायता का उपयोग मुख्य रूप से करते हैं, गिलोय का उपयोग करते हैं, साथ साथ में पटोल पत्र का उपयोग कर रहे हैं। उसके अलावा काली मिरी, दालचीनी, लवंग, अदरक या सुंठी का उपयोग साथ में कर रहे हैं और हल्दी का उपयोग कर रहे हैं। और कुछ ऐसे प्रकार के मरीज भी हमारे महाविद्यालय में आ रहे हैं कि जिनको इस गले में एलर्जी की वजह से भी कफ फंस रहा है, तो हमें ये अवश्य रूप से नैदानिक ज्ञात हो जाता है कि उन्हें वह कोरोना नहीं है। अब कोरोना बीमारी ये नहीं है लेकिन एलर्जिक है मौसम के हिसाब से, क्योंकि नागपुर का टेम्परेचर इस समय जो है 45 से 47 डिग्री के मध्य चल रहा है। तो हम ऐसी स्थिति में प्रकृति के अनुसार कोशिश करते हैं कि किसी को उस काढ़े में सेंधा नमक के साथ मिला करके उपयोग करने के लिए कहते हैं 30-40 ml जो है 2-3 बार दिन भर में, और किसी को जो है हम कहते हैं कि भाई सेंधा नमक मत डालिए, जो है आप हल्दी का उपयोग कीजिए उसके अंदर और हल्का सा गुड़ का उपयोग कीजिए। गुड़ का उपयोग हम जो है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए मना करते हैं, तो काढ़े के अंदर अलग से जो हमने उन्हें निर्देश दिया हुआ है वह गुड़ का अलग से उपयोग प्रकृति के अनुसार और रोग के अनुसार, सेंधा नमक का अलग से उपयोग जो है प्रकृति के अनुसार। तो इस तरह से हमारा कार्यकाल चल रहा है और इस समय नागपुर में हमारे आयुर्वेद महाविद्यालय में कुछ नहीं तो 700-800 पेशेंट जो है डेली आकर के इस तरह से लाभ ले रहे हैं। हमने बाकायदे उनका प्रचार प्रसार किया हुआ है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री डॉक्टर रमेश गौतम जी के साथ मैं पिछले कई वर्षों से निरंतर संपर्क में हूँ, उनसे जुड़ा हुआ हूँ। उनके मार्गदर्शन में मैंने कई पुस्तकों का जो है लेखन भी किया है और अशोक वार्ष्णेय जी से भी प्रत्यक्ष रूप से काफी जुड़ा हुआ रहता हूँ। तो हम चाहते हैं कि आरोग्य भारती के इस प्रकार के वेबिनार के द्वारा या फिर जो है अन्य माध्यमों के द्वारा भी जो है प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे हमारे देश में प्रचलित बहुत सारी औषधियां, गिलोय, एष्टी मधु, अश्वगंधा, शतावरी, सुंठी, हरिद्रा, काली मिर्च, अजवाइन, दालचीनी, इनका जो उपयोग जिसे हम किचन में भी करते हैं, तो हम चाहते हैं कि इनका प्रचार प्रसार किचन से बाहर निकल करके लोगों के अंदर अवेयरनेस हो, उनको जानकारी प्राप्त हो कि हमें यह किचन का ही सामान ना होकर के यह भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों में लाक्षणिक चिकित्सा के आधार पर भी इसका उपयोग किया जा सकता है। और इसके साथ ही योग और प्राणायाम दोनों का उपयोग करते हुए जो है हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। जैसा कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम का जो सिद्धांत बताया है हमारे मनुष्यों ने, उसका सैद्धांतिक उपयोग हम कर रहे हैं। हमारा यही कहना है कि जब हम किसी भी प्रकार के आहार विहार के द्वारा हम अलग ढंग से, यानी हमें किसी प्रकार की संचिता अवस्था ज्ञात होती है, तो सूत्रों ने कहा है कि संचय अपृता दोषाः लभन्ते न उत्तरागतिः ते तु उत्तरासु भवन्ति गतिसु बलवन्तराः। तो इसलिए यदि किसी भी प्रकार की बीमारी होने के पहले यदि हम उनके लक्षणों का ही ज्ञान पहले कर लें, प्राप्त कर लें और उसको जो है तोड़ सकें, तो तोड़ने के हिसाब से संचय अपृता दोषाः, संचय काल में ही उनका दोषों का हरण कर लिया जाए, तो वात, पित्त और कफ ये तीनों ही प्रकार के दोष हमारे शरीर को किसी भी प्रकार के रोगों से आक्रांत नहीं करेंगे, परिणाम स्वरूप हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। इसके लिए हमें आरोग्य जी
तो हम ऐसा कहते हुए हम चाहते हैं कि हमारे आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे अभ्यक्त जो है अभ्यागत लोग हैं, अतिथि लोग हैं और बड़े बड़े प्रवक्ताओं ने भाषण दिया। मैं कभी समय से इसको जो है सुन रहा था और काफी अच्छा रहा आज का सेमिनार। उसके लिए डॉक्टर अवनीश पांडे जी को और पांडे जी को सबको साधुवाद देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय आयुर्वेद। हाँ अवनीश जी को बेटा अनम्यूट करना है। अवनीश जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है अवनीश जी? बेटा इनको अनम्यूट करना है। धन्यवाद डॉक्टर विजय सिंह मिश्र जी। ये तकनीकी का जहां हम लोग लाभ उठाते हैं, वहीं कभी कभी ये तकनीकी हमको होल्डिंग पर रख देता है। अभी ये तकनीकी कुछ इसमें गड़बड़ी की वजह से कुछ देर के लिए हम लोग होल्डिंग पर हो गए थे। और डॉक्टर ब्रजेश मिश्र ये महाराष्ट्र के एक बहुत ही चर्चित चिकित्सक और वहाँ पे सिद्धांत संहिता सिद्धांत के एक अच्छे प्रबुद्ध चिकित्सक के रूप में स्थापित हैं। अभी हमारे बीच में डॉक्टर प्रशांत गुप्ता जी जो आरोग्य भारती राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं ने अपने आंकड़े रखे, जो बताया कि 168 ट्रायल चल रहे हैं, 52 आयुष, उसमें 35 आयुर्वेद, 10 होम्योपैथी, और आगे भी बताया कि 29 राज्यों में ये ट्रायल चल रहे हैं और कई आंकड़े उन्होंने दिए। डॉक्टर तृप्ति अग्रवाल जी से भी मैं कुछ आंकड़े चाह रहा था, वो नहीं दे पाई थी। अगर उनके पास आंकड़े उपलब्ध हो गए हों तो मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूं और अपने आंकड़े दे दें, हमारे श्रोता और दर्शक उन्हीं आंकड़ों पर अपनी दृष्टि लगाए हुए हैं। डॉक्टर तृप्ति अग्रवाल, हेलो हेलो, आपकी आवाज आ रही है? यस मैम, आवाज आ रही है, बोले मैम। जी धन्यवाद सर। मैं यहाँ आपको सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि हमारे जो कोविड हेल्थ सेंटर पर जो चिकित्सा दी जा रही है उसके बहुत ही संतोषजनक परिणाम मिल रहे हैं। अब तक 150 से भी ज्यादा रोगी संतुष्ट होकर व पूर्ण रूप से ठीक होकर जा चुके हैं और हमारे यहाँ जो कैपेसिटी है वो मरीजों को भर्ती करने के लिए हमारे यहाँ संस्थान में 110 बेड की व्यवस्था है, जिसमें से लगभग अभी भी हमारे यहाँ 80 मरीज हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। आइए हमारे बीच में याद है। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत आभार आपने जो आंकड़े प्रस्तुत किए। हमारे बीच
कुछ मनीषी कुछ विद्वत जन भी उपस्थित हैं। मैं एक बार उनका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। वाराणसी से डॉक्टर मीनाक्षी, काशी प्रांत के सचिव डॉक्टर सुनील मिश्र जी हमारे बीच हैं, जयपुर से डॉक्टर सुचेता वर्मा, मुजफ्फरनगर से डॉक्टर अतुल वाषण्य सर हैं, सुल्तानपुर से डॉक्टर अभिषेक पांडे, सिवान से डॉक्टर रंजन दुबे, डॉक्टर प्रिय रंजन तिवारी, डॉक्टर विपुल नारायण सिंह, डॉक्टर प्रभा शंकर पांडे, अखिलेश डॉक्टर अखिलेश जैन, डॉक्टर राजीव कुशवाहा, डॉक्टर डी एल श्रीवास्तव मिर्जापुर से, डॉक्टर ज्वाला प्रसाद मिश्र सर गोरखपुर से, ये सभी महानुभाव गणमान्य हमारे बीच उपस्थित हैं, इस वेबिनार का हिस्सा हैं। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हालांकि ये धन्यवाद औपचारिक है, अभी कार्यक्रम जारी रहेगा। मैं अपने अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करने के लिए डॉक्टर जी पी अवस्थी सर को आह्वान करता हूँ कि अपने अगले वक्ता का परिचय कराएं, उनको आमंत्रित करें। डॉक्टर जी पी अवस्थी सर, दूरदर्शन पे भी जिनके समाचार आए, प्रिंट मीडिया में भी जिनके समाचार आए और जिनके बहुत ही प्रचार प्रसार हुए, ऐसे नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अनुसंधान केंद्र के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर प्रदीप गुप्ता जी हमारे सामने हैं, वो अपने यहाँ कोविड 19 के मरीजों का ट्रायल कर रहे हैं और शोध परक उनके क्या परिणाम हैं, क्या रिजल्ट्स हैं। मैं चाहता हूं कि वेबिनार के सामने और जिसको पूरा देश देख रहा है वो बताने की कृपा करें, डॉक्टर प्रदीप गुप्ता जी। नमस्कार सभी बंधुओं को, नमस्कार। आपके माध्यम से मुझे कुछ कहने का अवसर मिला है, उसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूं। और उनको फोन सर स्क्रीन शेयर करा दीजिए उधर से। स्क्रीन शेयर क्या सर, पावर पॉइंट है क्या सर? हाँ सर पावर पॉइंट है। लैपटॉप में है कि सर मोबाइल में है? लैपटॉप में। नवीन सर जी से आग्रह है कि पावर पॉइंट शेयर कराने का। डॉक्टर नवीन जोशी सर, सर जी कैसे करें? सर आप शेयर कर सकते हैं सर, सर आप स्क्रीन अपना शेयर कर सकते हैं। डॉक्टर गुप्ता जी जुट गया है आप? जी 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 सर जी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बंधु। So today I will discuss my experiences in treating COVID cases with Simlimum, that is homeopathic medicine. We have conducted 4 studies so far. Initially, when Ayush was not supposed to be take
COVID cases, then cases were already in the community. Then we started naming them flu-like illnesses. So we start this study 10th March 2020 to 9th April 2020. And the second study, again the flu-like illnesses, when patient influx was more. Initially, in 20 days, we got the 100 patients. And thereafter, in only 10-11 days, we got 116 patients. And thereafter, we were permitted by the Ministry of AYUSH and ICMR to take the COVID cases. Thereafter, we interviewed 570 positive cases of COVID. And thereafter, we got a conclusion what the medicine to be given to the actual patients. So the clinical trial of COVID-19 positive patients started on 5th of May. So in the first study, this prospective descriptive clinical study, flu-like illnesses, has been conducted at Naiminath Homeopathy Medical College, Agra. The clinical study was permitted and approved by the ethical committee of the institute. Different age groups of patients included in this study, ranging the age between 1 to 70 years, and the baseline subjective and objective symptoms and some diagnostic tests were taken to help for probable diagnosis. All the cases were followed up for a minimum 3 follow-ups. These cases were subjective to statistical study and their statistical analysis as follows. So in this study, we took the 100 patients and 25 patients were the age between 1 to 18 years and 55 patients were 18 to 45 years and 20 patients were taken from 46 years to 70 years. So this way we conducted this study on 100 patients. In this study, the male patients were 60 and the female were the 40 patients. The first study in which we treated the 100 patients, Brinia was the drug of choice, effectively cured 74% patients. Gelsimium, the another drug which were used for 12% of cases. Thereafter, Aconite, 10% of cases, and Arsenicum album, 4 cases. Out of 166 patients recovered in a first follow-up and 32 improved and only 2 patients were not improved. So this study was successful. Out of 198% patients were cured within 3 follow-ups. So we took the again study 2, pilot clinical research on flu-like illnesses. This study conducted between 10th April to 21st April. 11th day, we got 116 patients. The informed consents were taken from the all patients and their attendants. And the baseline subjective and objective symptoms and diagnostic tests to help out the probable diagnosis. Total selected patients were 116 who came in the OPD and IPD of Naiminath Homeopathy Medical College. And minimum 3 follow-ups were taken. And these cases were subjected to statistical study and their statistical analysis is as follows. In this study, 1 to 18, only 15 cases, 12%. And 19 to 45, 69 patients, roughly 60% patient. And 46 to 70, 32% total. And they were 27 in number. In this study,
In the previous study, 60% were male, and in this study, the 71% male. So those person who were out of the house, they were more prone to be got infected, and that's why number of the male is more in place of female. Only 28% female were suffered in this study. In this study, the Brania again came to the 72%, and 84 patients were prescribed with Brania, and gelsimium again 20%. From this time, it increased up from 12 to 24, and arsenicum was 5%, total 5 cases, 4.3%, and aconitum dipped to the only 3 cases. Total recovered cured patients were 87.83%, improved 18 patients, 15%, and only 1 patient out of 106 not improved, that was referred to another hospital. So I made a comparison of the two studies just for an understanding. So the drug of choice was Brania, Elva in the both studies. Initially, gelsimium was indicated in 12% cases, and study 2, it was indicated in 20% cases. In study 1, aconite was in 10% cases, and study 2, it became very minimum, only 3 cases, 2.7% cases came in the, and arsenic was the third choice. So Brania in 73% cases, compiled both the studies, and gelsimium 16.6% cases, aconite 6% cases, and arsenicum 4.1% cases. This total study was taken on 216 patients. This is the bar chart of all the medicines according to their preferences. Brania, gelsimium, aconite, and arsenicum. By this time, the Ayush Ministry published a gazette on April 21st that the Ayush institutes are allowed to take the COVID patients for researches. So, taking the advantage of that gazette notification, we took the list of COVID positive patients from Chief Medical Officer Agra and Chief Medical Officer Firozabad districts, and we interviewed all 570 cases by different medium, on phone call, to visit them in the hospital, to meet those who were discharged, their house, and to the video conferencing, video calling. So just the purpose was to find out the preventive medicine, that is called genus epidemicus in homeopathy. This study was conducted between 25th April to 10th May. The ethical committee has permitted the study and approved the study. This study, we randomly selected 570 patients of COVID positive, RT-PCR positive, the list supplied by the Chief Medical Officer of Agra District and Chief Medical Officer of Firozabad District. So these two, all the patients were belonging to District Agra and District Firozabad. Different age group of patients included in this study, ranging from 01 to 70 years, the baseline, subjective and objective symptoms, through personal interaction, through video conferencing, through audio call, and all other social media platforms were taken to the study. In the study, we taken the present, persistent, and peculiar symptoms, what they have suffering from, to find out the physical generals, and to find out there are the mental generals, and characteristic symptoms in each case. So out of 570 patients, we gather the
3,520 symptoms collected while interviewing COVID-19 patients, and 92% symptoms were the same. The symptoms were prominently fever with chill, dry cough, sore throat, dyspnea, weakness, body ache, aggravation by motion, amelioration by rest and lying down, loss of sensation of smell, loss of sensation of taste, anxiety, restlessness, fear of death, fear of future, fear of business, fear of home, fear of family members, increased thirst for large quantity of water, and also in some cases less thirst, gradual onset of symptoms, sneezing, chest congestion, dry, patchy, cracked tongue, and decreased appetite. In collecting the total 570 patients after interviewing, we found that the following symptoms are most commonly present in most of the patients. So according to the aphorism 102 of the Organon of Medicine, we just taken out these symptoms, 8 symptoms for repertorization. Anxiety for future and home was presented in 94% patients, fear of death in 91% patients. So the mental symptoms were more prominent in all 570 patients. Dry cough was found in 83%, restlessness in 80%, amelioration in 79%, aggravation from motion 74%, fever with chill 71%, thirst for large quantity 70% patients. So taking these symptoms, we did the repertorization, and that group of medicines came arsenicum album, bryonia, phosphorus, sulfur, cinnamars, natremur, aconite, veratrum, calcarea, merg, gelsimium, sepia, etc. To conclude that through the repertorial result shows the arsenicum album as number one, but the understanding of materia medica, we chose the bryonia alba in the current pandemic. So we decided to clinical trial with the bryonia alba number one, arsenicum album number two, and gelsimium number three. And we inform our patients and our all the students, all hospital staff, that bryonia is a drug for prevention. So everyone start taking bryonia, and we are exposed to the COVID-19 patients and no one is infected so far. So this is the prevention by homeopathy medicine. Now the study 4, the clinical trial of COVID-19 positive patients admitted in isolation ward. This trial is permitted by CTRI ICMR. Homeopathy is an adjuvant to the standard treatment protocol in management of coronavirus infection, a randomized placebo controlled open label study. The clinical study is permitted by an ethical committee and approved by ethical committee of FS Medical College and Hospital Agra, which is the main site. Site of trial is FS Medical College Hospital. Our college and hospital is the quarantine center, not the COVID hospital. This is COVID hospital, so we did the trial here. This trial is in the collaboration with the Central Council for Research in Homeopathy, New Delhi, and the coordinator for CCRHR, our Director General of Central Council of Research in Homeopathy, Dr. Anil Khurana, and their scientist, research officer, Dr. Devdatta Nayak. They are collaborating with this research and taking day-to-day input from our side. I am the principal investigator of this clinical trial. I am the principal of this college also.
Along with me, Dr. Ritu Gupta, who is the assistant professor in Department of Governance, co-investigator, Dr. Saurabh Kumar, he is also assistant professor, and two of our senior residents, Dr. Sarika Pandey and Dr. Alpana Rawat. So we feel five people are associated with the research. And two other allopathic co-investigator also, Dr. Dheeraj Kela, MBBS MD Assistant Professor, Department of Internal Medicine, FH Medical College. And Dr. Sanjeev Anand, MBBS MD Assistant Professor and Department of Pulmonology, FH Medical College. So this way we are the team of nine investigators to conduct this trial. The objective of study is to find out the, to assess the, compare the effectiveness of the homeopathic treatment as an adjuvant to the standard treatment in coronavirus infection. The secondary objectives are to compare time to the fever clearance, to compare severity of the symptom, to compare time to the resolution of pneumonia, to assess the compare time to recovery, to compare the use of conventional medicinal use, to compare the period of hospital stay. So these were the secondary objectives. Study design, this is the randomized placebo control open label study. We made two groups. One group standard conventional management with homeopathy medicine, and group two standard conventional management with placebo. Selection of patients, hospitalized patients symptomatic with COVID-19, age between 10 year to 80 year, and both genders willing to give their signed written informed consent. So prior to study, we have taken the consent in writing with every patient. The sample size is 150 patients in each group, and the study duration is 1 month. We have completed 25 days, and now the half of the sample size has been taken in the study. The prescription of medicines are detailing the, we will prescribe medicine from 6 potency, 30 potency, 200 potency and 1 mg. And the doses are 4 pills of 30 number globule and repetitions 2 to 6 hourly or maybe more depending upon the intensity of the symptoms. So this is the prescription detail which so far be prescribed. Prescription basis on the totality of group A. Bryonia alba given to the 19 patients. Arsenic album to the 2 patients and gelsemium to the 1 patient as per their symptomatology. And group B, all 22 patients received the placebo. Follow-up day 2. What happens after the medication? Once we started on day 5th of May, within 24 hours after intervention of homeopathic medication, no fever in bryonia cases. So that patient total 19 which received bryonia, they became apyrexic in 24 hours. Seemingly the cases who were prescribed arsenic and gelsemium were having fever. So next day, means on 6th of May, they were again prescribed bryonia alba. So the day 2, 6th of May, all 22 patients were received bryonia. And the relief in all complaints in all the patients by the varying degree. And the another group which were on the placebo with the standard protocol, there was no significant change in any complaint of the patients. Day 3, in our follow-up, within 48 hours after the intervention of homeopathy medicine, all bryonia cases were absolutely symptom-free. So, in the 48 hours, all 19 patients became symptom-free. There were no fever, no cough, no pain throat, no anosmia, no kind of malaise, and all they were cheerful. That 2 cases which were prescribed initially arsenic and 1 gelsemium were also symptom free but not well. So to them we prescribed bryonia 1 mg.
no weakness, all the pneumonia patients and they are all were cheerful. In the placebo group, there were the relief of varying degree, case to case, but not any convincing change. They were also found to be weak and dull in comparison to the homeopathic study patients. Follow up day 4, after 72 hours, after intervention of homeopathic indication medication, all the brania cases were absolutely symptom free, and those who were prescribed arsenic album, they were also symptom free later on by the brania alba. No weakness, all cheerful. In compared to, they were also better, but not any convincing change, and they were not found to be very happy in compared to that. Day 5, out of 22 patients, on our request, the administration took the sample of RT-PCR only 14 patients, because they generally took the RT-PCR after 14 days. But we insisted that in our study, we have to take the RT-PCR case on 5th day. So they arranged the RT-PCR out of 19 cases, only 14 cases. Day 7, all the patients, 22 patients were taken RT-PCR and they found all 22 patients negative. So by using the brania alba, all 22 patients became negative to RT-PCR, and their repeat test also done after 2 days, means 9th day, they found negative. And the placebo control group, variable changes, and the RT-PCR was still positive, and they were roughly 3 to 4 weeks time to get negative. Brania alba 200C in 90 cases, day 2 22 cases, and day 3 all cases. Arsenic album 3 cases, withdraw day 1, lesbium 30, withdraw day 2 onward. Repetition of the medicine as the case fall under urgent category. So according to protocol, repeated frequently, initially 4 doses, 10 minute interval, thereafter 1 hourly, and thereafter when they feel better, 3 hourly. Then once in a day for a week. This was the result that all the patients who got the brania, 17 were better on day 1, means after 24 hours, and day 2 only 5 patients having symptom end, and day 3 only 2 patients were showing little sign, and day after 4th day onward, all the homeopathic intervention group became symptom free. While the placebo control group took almost 9 days, thereafter they receding the symptoms, and they became symptom free on 15th day. So this was a great comparison in the two groups. This is some information about me, and thank you very much to listening me very patiently, and I will be very happy if any question from audience. I would like to answer that. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रदीप गुप्ता जी. निश्चित रूप से आपके इस वैज्ञानिक प्रस्तुति के लिए मैं गौरवान्वित हूं. कोविड 19 की जब यह महामारी आई तो निश्चित रूप से पूरे विश्व के सामने और देश के सामने संकट आया, और उस समय देश का नेतृत्व ने जो निर्णय लिया वो भी उसकी मैं सराहना करता हूं. और उस समय यही हुआ
कि कहा गया कि नई बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, इसकी कोई दवाई नहीं है। और उसके पीछे का कारण ये था कि हमारे आयुर्वेद के जो चिकित्सक हैं, होम्योपैथिक के चिकित्सक हैं, वे अपने वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं रखते हैं। डॉक्टर गुप्ता से मैंने आग्रह किया था, जैसा आग्रह किया था उसी प्रकार से उन्होंने अपने बात को बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन के साथ, वैज्ञानिकता के साथ, प्रामाणिकता के साथ, प्रमाण के साथ प्रस्तुत किया। यह पूरे देश के चिकित्सकों के लिए अनुकरणीय है। हमारे अस्पताल में, हमारे क्लिनिक में मरीज आते हैं, मैं दवाई देता हूं और वो ठीक होते हैं, आश्चर्यजनक ठीक होते हैं, चमत्कार के साथ ठीक होते हैं। लेकिन मेरे पास कोई डॉक्यूमेंटेशन न होने के कारण मेरी बात कोई मानने को, सुनने को तैयार नहीं होता। मेरी बात तब मानी जाएगी, मेरी बात तब सुनी जाएगी जब उसके साक्ष्य भी हो। और ये साक्ष्य का एक बहुत ही आदर्श जो तरीका प्रस्तुत किया डॉक्टर प्रदीप गुप्ता ने, मैं उनकी भूरभूर तारीफ करता हूँ और उनकी सराहना करता हूँ और उनके प्रति आभार ज्ञापित करता हूँ। हमारे बीच में होम्योपैथी के उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड के चेयरमैन, जो आरोग्य भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं तथा होम्योपैथी के उत्तर प्रदेश के निदेशक पद पर सेवारत रहे हैं और जिन्होंने अपने कार्यकाल में पूरे अस्पतालों को, 150 अस्पताल हैं राजकीय अस्पताल, जहां उन्होंने कम से कम 30 अच्छे किताबों की एक सूची और एक लॉट हमारे चिकित्सा अधिकारियों को उपलब्ध कराया था, पढ़ने में, पढ़ाने में और शैक्षणिक जिनकी अभिरुचि है, ऐसे डॉक्टर बीएन सिंह हमारे बीच में हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे अपने बात रखें। और एक बात और कहना चाहूंगा, आज निश्चित रूप से देश के सामने संकट है और देश के सेवा का अवसर है। रोज रोज ये अवसर नहीं प्राप्त होता है, सेवा का यह अवसर हमको अवश्य इसका लाभ लेना चाहिए और सेवा प्रस्तुत करना चाहिए, देश की सेवा के लिए आगे बढ़ के काम करना चाहिए। हम जहां भी खड़े हो, जो भी कर सकते हो, अन्नदान से लेकर, सैनिटाइजर बांटने से लेकर, मास्क बांटने से लेकर, आसपास पड़ोस के लोगों का हाल चाल लेकर, उनके सुख दुख को, उनको इस बात का बोध करा करके कि हम उनके साथ हैं, वे हताश और निराश ना हो। और अगर होम्योपैथिक डॉक्टर हैं तो अपने होम्योपैथी के प्रिवेंटिव मेडिसिन को बांटें, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं तो आयुर्वेद के काढ़ा को बांटें और उनको सबसे पहले यह आश्वस्त करें, उनको भरोसा विश्वास दिलाएं कि हम आपके साथ हैं। इतने से ही, अभी डॉक्टर गुप्ता ने प्लेसिबो की बात कही तो निश्चित रूप से केवल इतना कहना ही एक बहुत बड़े औषधि की तरह काम देगा। वो होम्योपैथी नहीं होगा, वो सिंपैथी होगा, वो सारे चिकित्सा पद्धति से उच्च है। अब मैं डॉक्टर बीएन सिंह से आग्रह करता हूं और उनके माइक को अनम्यूट करना चाहता हूं और मैं उनके उद्गार के लिए उनको अभिप्रेरित करना चाहता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि वे हमारे सभी चिकित्सकों से यह आग्रह करें कि वे अपने प्रैक्टिस के सामान्य प्रैक्टिस, अब वो तरीका बदल दें, केवल रोगी को ठीक करना ही आपका लक्ष्य नहीं है, आप डॉक्यूमेंटेशन भी तैयार करें। पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, पूरा भारत विश्व से अपेक्षा कर रहा है, हमको पूरे WHO का अध्यक्ष भारत हो गया है, हमारा दायित्व तो बढ़ गया है, हमको ऐसे निश्चित रूप से फार्मूले बना करके पूरे विश्व को देना है जिससे पूरे विश्व का कल्याण हो। यह एक अच्छा अवसर है, हम इस अवसर का लाभ उठाएं। डॉक्टर बीएन सिंह, पूर्व निदेशक होम्योपैथी, चेयरमैन होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड उत्तर प्रदेश। नहीं, नहीं आ रही। देखिए म्यूट भी था, अनम्यूट करिए। नहीं, बोलिए, फोन करके बोलिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर।
आवाज नहीं आ रही है सर। माइक अपना अनम्यूट करिए। नहीं नहीं अनम्यूट थे, अनम्यूट होने अभी म्यूट हो गए सर, अनम्यूट करिए सर। सर अनम्यूट है, सर अनम्यूट करिए सर। अभी बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतने मरीज खुशी की बात से भी आवाज नहीं आ रही है, उनसे बात कर लीजिए ना, वही फोन मिलाया था, कभी बात नहीं किया, अपने नंबर से बात करें जो नंबर। अरे सर आपने अनम्यूट किया तो फिर म्यूट कर लिया सर आपने। सर फिर से अपने आप को अनम्यूट करिए सर। यस सर, सर वीडियो भी ऑन कर लीजिए, वीडियो आपको बंद है सर। फिर माइक आपने दोबारा दबा दिया सर। जी सर बोलिए। आवाज नहीं आ रही है, एक सेकंड क्या? नहीं वही जी बोलते रहे वहां से, उनको फोन लगाइए, फोन लगाइए, तुरंत फोन लगाइए। स्पीकर ऑन करना हमको दीजिए। हेलो, हाँ सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, मैं कुछ कनेक्ट करता हूँ सर, होल्ड करिए सर। मैं आपकी आवाज स्पीकर पे लगा रहा हूँ सर, फोन पे रहिए सर। हेलो आप कहीं फोन पे ही? हेलो 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 काट दिया, उनसे बोलिए कि लाइन पे हिट है सर जी। नहीं म्यूट नहीं है वहां पर, मेरी आवाज जा रही है सर। हेलो सर आवाज आ रही है? हेलो कॉल लगाइए सर। कोई बात नहीं, इसी मोबाइल पर बोल दीजिए, मैं आपकी आवाज सुनवा दूंगा स्वामी जी की तरह। मैंने तो हम बता रहे हैं कि आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए और वीडियो ऑन कर लीजिए, नीचे बटन होता है बाएं हाथ। वो कर चुके हैं, फिर नहीं कनेक्ट हो रहा ना, वो अनम्यूट किए हुए हैं। नहीं सर वो अनम्यूट किए हुए हैं। हाँ तो ठीक है, वो दो बार दबा दिए चालू होकर फिर बंद हो गया। हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, वो अनम्यूट कर रहे हैं फिर भी नहीं आ रहा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम। एक बार ट्राई कर ले। लाइन पे विजय
हेलो सर, सर आवाज आ रही है मेरी? हेलो 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 आवाज आ रही बहुत बढ़िया। हाँ बोलिए सर। बहुत बढ़िया आवाज आ रही। हमारे बीच पूज्य स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं अखिल भारतीय महात्मा समिति और श्री काशी ज्ञान व्यापी मुक्ति जनजन समिति के जी को हम नमस्कार बोलते हैं, मगर हमारे ने उनको सुन नहीं पाए। और प्रदीप कुमार जी का मैंने बड़ी अच्छी तरह से सभी सुना और समझा, जिसमें ब्राइनिया का बड़ा अच्छा रोल बताया कि अच्छा बेनिफिट रहा, 74% केसेस कवर किए, जर्सिमियम का 12% का कवर हुआ, हाँ आर्सेनिक का 4% का कवर हुआ। इस तरह से हमारे होम्योपैथिक मेडिसिन जो है इफेक्टिव है, ICMR को देखना चाहिए और इस पर अन्य मेडिकल कॉलेजों को भी इसमें सम्मिलित करना चाहिए। डॉक्टर प्रदीप कुमार गुप्ता ने अगर इस वायरस को नोसोट बना करके इस्तेमाल किए होते तो शायद एक तरह से हमारी नोसोट बन जाती। डॉक्टर प्रशांत गुप्ता जी ने 1600 केसेज पर आयुर्वेद से ठीक करने की बात बताई, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इंद्रनील बसु जी का तो इसमें सम्मिलित नहीं हो पाए शायद, भैया नचार जी शायद आगे हमारे बात बोलना चाहेंगे, और हमारे जीपी अवस्थी जी का बड़ा बढ़िया संचालन और होम्योपैथी पर बहुत बढ़िया वाइटल फोर्स पर उन्होंने बताया है और इसके हिसाब से ही रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में उन्होंने बढ़िया अपनी बात कही है। नवीन ज्योति जी ने भी बहुत अच्छी तरह से आयुष दर्पण के माध्यम से इन्होंने शिक्षकों को जगाया और धतूरे के बीज के बारे में बताते हुए इन्होंने सभी को बहुत बढ़िया तरह से समझाया। अवनीश पांडे जी हमारे संचालन भी कर रहे, सचिव मिर्जापुर काशी प्रांत आरोग्य भारती के तृप्ति अग्रवाल जी ने भी बहुत बढ़िया तरह से बताया अपने कैसे कोविड वार्ड में रह करके और कैसे उसमें अपने सावधानी बरतते हुए काम किया। ब्रजेश मिश्र जी ने भी नागपुर से बोले, बहुत अच्छे बोले। मैं चाहता हूँ, हालांकि समय तो बहुत कम रह गया है, जैसे आज की सूचना के अनुसार अभी सुबह सवेरे तक का 62,21,340 केसेस रहे और मृत्यु में जो है 3,72,426 केसेस दिखलाई पड़े। अमेरिका में बात देखें तो 18.5 लाख केसेस इन्वॉल्व हैं और मृत्यु दर उनके मृत्यु की संख्या जो है 1,60,000 के लगभग है। भारत में वही 1,85,000 के लगभग जैसे आज के डेट में रहे और मृत्यु जो है 5,500 करीब है। अभी हम देखते हैं कि इसकी ये देख करके लगभग मृत्यु दर देखा जाए तो 1 से 3% में आता है। यहां पर मैं ये कहूं कि पहले से वायरल संक्रमण मृत्यु दर भी देखा जाए तो वो 1 से 4% रहा है, जिसमें राइनो वायरसेस का है, एडीनो वायरसेस का है, कोरोना वायरसेस का
किया है और इन्हीं के सभी ये स्वाइन फ्लू है, इन्फ्लुएंजा का है, चिकनगुनिया है, डेंगू है, इबोला वायरस है, H1N1 है वायरस का और अदर कोरोना वायरस का है। अदर कोरोना वायरस जो है ये बहुत पहले बार रिकॉर्ड हुआ था 1962 के रूप में, अब उसके बाद से भी कई बार ये कोरोना वायरस हुआ है। तो कोरोना वायरस के जो केसेज आए हैं पहले वो जो है 229 ई अल्फा कोरोना वायरस और NN63 अल्फा कोरोना वायरस और OC43 बीटा कोरोना वायरस और HKQ1 बीटा कोरोना वायरस। ये तो एग्जाम्पल के तौर पर है और बहुत से वायरस हैं जिनके डेथ रेट जो है वो 1.3-1.4 के करीब करीब मिलता है। अब उसमें हमको कोई भी अपने लॉकडाउन नहीं हुआ है और अच्छी तरह से कवर हुआ है, ये इसमें भी कोई जरूरी तो नहीं था मगर फिर भी हमारे बचाव के पक्ष में अच्छा रहा। अब पॉइंट बनती है, सब लोग कहते हैं अभी भी बढ़ता ही जा रहा है, सब लोग कहते हैं कि अब इसी के साथ जीना है, तो कैसे जीना है। अब दो चीज मेन चीज होता है जो बचाव के बारे में, बचाव के लिए जो है संक्रमण से बचाव के लिए सरकार द्वारा दी गई सभी दिशा निर्देश का पालन करना जरूरी होता है। मास्क जैसे पहनना है, 1 मीटर की दूरी बनाकर रखनी है, साबुन से हमेशा हाथ धोते रहना चाहिए, कुछ भी छूने पकड़ने लेने के बाद आवश्यकता अनुसार सैनिटाइजर भी लगाएं, आँख कान नाक मुंह पर जो है हाथ ना जल्दी जल्दी लगाएं। ये तो हमारे बचाव के पक्ष के है। अब जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के बारे में 3-4 भागों में जैसे WHO ने फिजिकल मेंटल और सोशल और आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल पार्ट बनाया है कि इसको अगर देखभाल रखा जाए तो अच्छी तरह से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती है। तो हम आध्यात्मिक और मानसिक रूप से बात करें तो सबसे बड़ी बात होती है हमारी कि हम ध्यान करें जो कम से कम 30 मिनट धारणा ध्यान समाधि इस तरह की बातें जो है हमको करना चाहिए। उसी के साथ जो है कभी भी कोरोना से ना डरें, डरने का नहीं होना चाहिए और घरेलू हिंसा से बचना चाहिए। घर के या बाहर के सदस्यों को समझाना और प्रेम व्यवहार बना करके रखना चाहिए, दिमागी तनाव नहीं रखना चाहिए। जहां भी पार्क हो, जहां फिर फूल पौधे हो, वहां पर थोड़ा देर तक 1 घंटा आधा घंटा टहल लेना चाहिए। अपनी दिनचर्या ठीक से बनाए रखना चाहिए, स्वस्थ रहने और खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। सकारात्मक सोच रखने के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। आनंदित होकर के सभी काम करें, खुशी का माहौल बनाएं और खुश रहें। अच्छा अच्छा विषय पर लिखने पढ़ने का काम करना चाहिए। हमेशा तनाव मुक्त रहें, भारतीय संस्कार को अपनाएं। अब दूसरी बात आती है हमारी सामाजिक सेवा के लिए, उसके हिसाब से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का। तो कहा जाता है कि सेवा परमो धर्म, किसी भी सामाजिक सेवा में लगा रहना चाहिए, हम उससे आनंद और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे किसी कोरोना महामारी के समय जिसमें खुशी मिले, पानी की व्यवस्था, जरूरतमंदों की सेवा, साबुन सामग्री की खाद्य सामग्री की सेवा करना और औषधियों की उपलब्ध कराना, चिकित्सालय में रोगियों को ले जाकर भी सेवा करना, वृद्धजनों को और दिव्यांगों की सेवा करना, कोरोना योद्धाओं को सम्मान करना, ये सेवा कार्य के लिए हिसाब से है। सम्मान करना और सौजन्य करना ये सामाजिक सेवा की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का होता है। अब आ जाती है हमारे शारीरिक रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का। पहला इसमें हम कहते हैं कि योगाभ्यास करें, योगाभ्यास प्रतिदिन आधा घंटा से 1 घंटा तक करना चाहिए और आवश्यक जो सूर्य नमस्कार करना, भस्त्रिका और कपालभाति करना,
अनुलोम विलोम करना, भ्रामरी करना, शीतली आसन करना और वोकल कार्ड का जो है जो अंदर से आवाज निकालने का होता है वो भी आसन करना चाहिए। इस पदार्थ के बारे में जो लेने की बात पड़ती है शरीर के लिए, प्रतिदिन सवेरे कम से कम 2 गिलास गुना पानी पीना चाहिए और फलों का जूस जिसमें विटामिन सी का हेलो हाँ लगता है डॉक्टर बीएन सिंह डिस्कनेक्ट हो गए। बहुत ही आभार डॉक्टर बीएन सिंह जी को। एक बात, आज सवेरे ही मैं पुराने रिकॉर्ड खंगाल रहा था तो पाया कि जब 1999 पूरा हो गया, 2000 आया, एक सदी एक सहस्राब्दी के बाद की जब रचना होने लगी तो उस समय 2000 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा था कि 20 वर्ष के बाद एंटीबायोटिक्स शरीर पर काम करना कम कर देगा या बंद कर देगा, क्योंकि शरीर एंटीबायोटिक के प्रति इम्यून हो जाएगा। ये भविष्यवाणी 2000 में की गई थी। तो आज 2020 है, 20 साल बीत गया और उसके परिणाम पूरे विश्व को दिखाई पड़ रहे हैं। अब आगे आयुष के ही चिकित्सकों पर पूरे विश्व की दृष्टि गड़ी है और उन्हीं के सहारे यह विश्व आगे बढ़ेगा और हमको अपनी शक्ति, अपनी अपेक्षा, अपनी जो अपेक्षा कर रहा है विश्व उसके अनुरूप अपनी तैयारी करनी होगी। और एक बात और कि मैं धन्यवाद के लिए अपने अगले वक्ता को बुलाऊं, हमारे निदेशक, पूर्व निदेशक डॉक्टर वी एन सिंह ने आस्तिक विचार के प्रति अपनी जो धारणा व्यक्त की, तो आइए हमारे मानस आयुर्वेद में यह बड़ा स्पष्ट लिखा गया, सर्वेषामेव रोगाणाम अधर्मम कारणम आरोग्यम कारको धर्मो वैद्य शास्त्रोपि बोधितः, प्रसन्न चेतसा सौख्यम आरोग्यम च भविष्यदा अप्रसन्नश्च चित्तश्च रोगा सर्वे भवन्तु हि। चरक ने भी कहा विषादो रोग वर्धनानाम, अर्थात अब वो समय आ गया है कि हम सात्विक मूल्यों को बढ़ाएं, धर्म का अनुसरण करें, सात्विक प्रवृत्ति को अपनाएं, अपने अंदर सत तत्व को विकसित करें और ऐसा करके हम इस बीमारी और इस विपदा से बाहर निकल सकते हैं, पूरे विश्व को निकाल सकते हैं। और अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर बी एन आचार्य जी से आग्रह करता हूँ कि वे धन्यवाद ज्ञापन करें। डॉक्टर बी एन आचार्य, अध्यक्ष आरोग्य भारती कानपुर महानगर। सर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सर आप बी एन आचार्य जी लाइन पे हैं। सर अपने आप को अनम्यूट करिए। सर बी एन आचार्य सर जी आप अपने आप को अनम्यूट करिए, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आज के इस वेबिनार में सभी लोग उपस्थित हुए, सभी वक्ताओं के विचार बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय स्तुति रहे। यह वेबिनार पर हजारों लोग इसको वाच करते रहे, देखते रहे, सबके प्रति आभार ज्ञापित करता हूं। और अंत में शांति पाठ के लिए मैं शांति पाठ करता हूं। ओम भद्रं कर्णे मेह श्रृणुयाम देवा भद्रं पश्ये शांतनो नाम्मा पुत्र चो यत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यारी खदा युर्गान्तो हो आदित्यौरादितिरान्तरिक्षमादितिर्माता शपिता शपुत्रः विश्वे देवा
अदिति पंच जना अदित्रजातमदित्रजनित मा शांति शांति सुशांतिर्भवतु। सभी को सादर अभिवादन, धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना, आभार।